हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको हम सीआरओ के नाम से जानते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आपके सामने सीआरओ का पूरा डायग्राम बनाया हुआ हूँ, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डायग्राम तो नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं, जिसमें कि हर एक इसका अंदर का सिस्टम क्या क्या काम करता है वो आपसे पूछा जाता है, कहाँ कहाँ वो लोकेटेड है वो भी पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको आपके सामने एक डायग्राम बना दिया है। अब मैं एक एक पार्ट्स को, सीआरओ के एक एक पार्ट्स को नेमिंग करूंगा और उसके साथ साथ एक शॉर्ट में उसका फंक्शनिंग बताऊंगा। आप अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ना डायग्राम बनाएंगे, ना कुछ करेंगे, आप बस अभी देखेंगे और एक एक चीज को पहले समझेंगे, राइट। मैं एक एक पार्ट के फंक्शनिंग को समझाऊंगा और उसके बाद मैं सारे पार्ट्स की फंक्शनिंग को लिख के आपको बोर्ड में दिखाऊंगा, तब आप सारे फंक्शनिंग को लिखते जाएंगे। अभी आपका काम क्या है, ध्यान से सुनना है और समझना है। तो ये हमारा सीआरओ का डायग्राम है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका है इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है सीआरओ का, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन से निकलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है या एमिट करता है, ठीक है। तो यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हुए। अब ये इसका काम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गन का, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना थर्मियोनिक एमिशन से। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। तो यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब ये कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अब आगे जाएंगे, मतलब कि ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, यहां से एमिट हुआ, और ये अब डिसाइड कर रहा है कंट्रोल ग्रिड कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां से आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल ग्रिड। अब देखो ये क्या है, आपका प्री एक्सेलरेटिंग, इसको मैं इधर नीचे करके लिखता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, ठीक है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, और ये आपका हो गया एक्सेलरेटिंग एनोड, दो जगह एक्सेलरेटिंग एनोड हो गए। तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे कंट्रोल ग्रिड डिसाइड किया। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिक एमिशन से एमिट हुए हैं इलेक्ट्रॉन गन से, उनमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम क्या करते हैं, इस प्री एक्सेलरेटिंग एनोड से और एक्सेलरेटिंग एनोड से हम उस पोटेंशियल एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन में है उसको चेंज करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में आ गया, तो उससे आपके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तेज हो जाती है। तो ओवर इन ऑल क्या होता है कि ये प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड का काम ये है कि ये आपका पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज करके काइनेटिक एनर्जी में करते हैं और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को या फिर इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाते हैं। अब देखो यहां पे आता है हमारा फोकस एनोड या फिर फोकसिंग एनोड, फोकसिंग एनोड। तो अब क्या हुआ, ये यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थर्मियोनिक एमिशन से, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कंट्रोल ग्रिड डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। अब फोकसिंग एनोड क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोकस पॉइंट पे जाए,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं इधर 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 कहीं फैलते रहेंगे, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है कहां पर, स्क्रीन पर, ठीक है। तो उस फोकसिंग एनोड को हम एडजस्ट करके इलेक्ट्रॉन्स की फोकल पॉइंट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने के लिए स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फोकस करने के लिए हम फोकसिंग एनोड यूज करते हैं। तो फोकसिंग एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो कि है क्या, स्क्रीन की तरफ भेजता है, ठीक है। और एक्सेलरेटिंग एनोड फिर से उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो एकदम स्पीड में जाके इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका काम, ये पार्ट्स का काम सीआरओ के। यहां पे क्या आ गया, ये है आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। तो देखो अब ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, यहां पे ये इस प्रकार कुछ खड़े हैं, मतलब कि नाम भले ही है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, पर इनको प्लेस कैसे किया गया है, इनको प्लेस किया गया है वर्टिकली। क्यों वर्टिकली भाई, क्योंकि देखो अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं रखता हूं यहां पे, ये आपके कुछ सपोज करो ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से जा रहे हैं। अब अगर वो टेढ़ा हो गए इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लीजिए साइड में जाने की कोशिश किया, इलेक्ट्रॉन का साइड में जाने की कोशिश किया, तो ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को वापस सेंटर में डिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब कि क्या, ये आपको हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। वर्टिकली ऐसे रखे जाते हैं, देखो मैंने बनाया भी वैसे ही है, ऐसे रखे जाते हैं और ये रोकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कि ये साइड में ना चले जाए, ताकि ये हम ऐसे के इलेक्ट्रॉन्स अगर साइड में जाने की कोशिश भी करेंगे तो यहां से टकराएंगे और फिर बीच में वापस सेंटर में आ जाते हैं इन लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स फिर सीधा सेंटर में आके फिर से अपना जर्नी कंटिन्यू करता है स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स वर्टिकली प्लेस किए जाते हैं, पर ये क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टली, इसलिए इनका नाम है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। तो साइड में जाने से रोकते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अब ये क्या है, ये आपका है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ये, ठीक है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आपके क्या करते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आपके इलेक्ट्रॉन्स को साइडवेज या फिर साइड में जाने से रोकते हैं, उनको डिफ्लेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली, वैसे ही अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की कोशिश करे या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स वापस रिफ्लेक्ट करते हैं बीच में। तो इसका मतलब ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली, इसलिए इनका नाम है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये कैसे रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे हॉरिजॉन्टली, देखो ऐसे रखे जाएंगे, तो ताकि ये ऊपर जाते रहेगा इलेक्ट्रॉन तो डिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। और अगर नीचे जाते रहेगा तो वापस डिफ्लेक्ट होकर आपका सीधा रास्ते में चले जाएगा। तो ये डिफ्लेक्ट करते हैं वर्टिकली पर प्लेस किए जाते हैं हॉरिजॉन्टली, राइट। तो ये हो गया नेमिंग। अब देखो कंट्रोल ग्रिड जो यहां पर लिखा हुआ है, इसको कई बार कैथोड ग्रिड भी बोला जाता है, तो इसको कैथोड ग्रिड भी लिख देता हूं मैं, कैथोड ग्रिड कंट्रोल, ये कैथोड ग्रिड बोलते हैं। तो ये आपका हो गया नेमिंग, ठीक है। और पार्ट्स का मैं कुछ कुछ आपको आइडिया भी दे दिया कि कौन से पार्ट्स क्या क्या फंक्शनिंग करते हैं। अब देखो यहां पे आता है आपका फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है, ये क्या करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन गन से थर्मियोनिक एमिशन से प्रोड्यूस हुआ है, उसको वो यहां तक आया, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज किया काइनेटिक एनर्जी में। अब इलेक्ट्रॉन एकदम तेजी से जाएगा और लगेगा किसमें, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन में। तो जो काइनेटिक एनर्जी है अभी इलेक्ट्रॉन में, वो क्या करती है, यहां पर जैसे ही स्क्रीन पर पड़ती है तो उसके कारण हीट एनर्जी डेवलप होता है, ठीक है। तो फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो तेजी से इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे हैं स्क्रीन पे, जिसके कारण हीट डेवलप हो रहा है, उस हीट को वो चेंज करते हैं
लाइट एनर्जी पे। और लाइट का मतलब कि क्या, उसी तरीके से वो आपके वेवफॉर्म्स को आपका स्क्रीन पर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, थर्मियोनिक एमिशन से प्रोड्यूस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया गया, काइनेटिक एनर्जी के कारण तेजी से इलेक्ट्रॉन एकदम से स्क्रीन में पड़ी और उसमें जो हीट डेवलप हुआ उसको चेंज किया गया फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, जो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स है उसको फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स आपका चेंज की काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में, और इस प्रकार आपका वेवफॉर्म्स स्क्रीन में शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन का फंक्शनिंग। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है क्योंकि मैं ये सारे पॉइंट्स को मैं फिर से लिख कर दिखाऊंगा आपको, राइट। तो अभी आपको बस समझना है। और आप देखो कि ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी इलेक्ट्रॉन गन से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे जाकर इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन में लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो यहां तक पहुंचेंगे, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन में लगेंगे और टकरा के वापस आ जाएंगे, है ना, यहां तक जाएंगे और टकरा कर वापस आ जाएंगे। कहीं में ज्यादा स्पीड हुआ, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हुआ तो उसके कारण वो टकरा के वापस आने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्रीन के पास में हम क्या करते हैं, एक एक्वाडॉग कोटेड स्क्रीन रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक्वा डैग कोटेड स्क्रीन, ठीक है। तो एक्वाडैग कोटेड स्क्रीन क्या करता है, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो यहां तक पहुंचे फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन में जाकर चिपके नहीं बल्कि रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। और जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है ये एक्वाडैग कोटेड स्क्रीन, ठीक है। मतलब कि वापस इधर आने के बजाय वो यहां पे कैप्चर हो जाते हैं और यहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये करता है आपका एक्वाडैग कोटेड स्क्रीन का काम, राइट। तो ये आपका नेमिंग हो गया। अब देखो यहां पर क्या क्या लिखा है, ये आपके कुछ रेसिस्टर्स हो गए, ये फोकसिंग एनोड है और यहां पर इसका नाम है एनोड पोटेंशियल, इस एनोड पोटेंशियल, ठीक है, ये आपका एनोड पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और यहां पे प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है, एक्सेलरेटिंग एनोड है, तो यहां पे आपका आ गया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये आपका हो गया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, राइट। तो ये आपका एनोड पोटेंशियल हो गया, यहां पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो गया। इन पोटेंशियल को वेरी करके ही हम स्पीड को चेंज करते हैं, एक्सेलरेटिंग को वेरी करके, और एनोड पोटेंशियल को चेंज करके हम फोकस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, राइट। और यहां पर देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग सर्किट है, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, Vx, और ये आपका हो गया Vy, राइट। यहां पे Vx और Vy और इनके बीच में आएगा आपका सिंक्रोनाइजिंग सर्किट, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजिंग सर्किट क्यों, क्योंकि भाई हमको चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स दोनों साथ में काम करें, अच्छे से काम करें, तो उन दोनों प्लेट्स के बीच आपका सिंक्रोनिज्म होना चाहिए। तो सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे, हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को यूज करके इन दोनों प्लेट्स को सिंक्रोनाइज करेंगे। क्यों क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज करेंगे भाई, क्योंकि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से आपका जो स्टेबलाइजेशन या सिंक्रोनाइजेशन होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो इस पॉइंट को यहां पर मैं लिख देता हूं, कहां पर लिखूं मैं, यहां पर वी यूज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेटर टू सिंक्रोनाइज वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। वी यूज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर टू सिंक्रोनाइज वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स फॉर स्टेबल ऑपरेशन, लिख देता हूं, ठीक है, फॉर स्टेबल ऑपरेशन, राइट। ये हो गया। अब आप देखो यहां पे आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल। अब क्या होता है पता है, कि एक होता है आपका स्वीप जनरेटर
ठीक है। स्वीप जनरेटर क्या करता है पता है आपका, सॉ टूथ वेव कुछ किस प्रकार दिखता है, कुछ इस प्रकार दिखता है सॉ टूथ वेव, ये आपका आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे अप्लाई किया जाता है, मतलब कि स्वीप जनरेटर, चिंता करने की बात नहीं है, ये सब चीज पॉइंट्स में आपका लिखवाऊंगा, अभी आपको बस सुनना है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको मैं वापस लिखवाऊंगा, आपको बस अभी डायग्राम को देखते जाना है और समझते जाना है, शॉर्ट में मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ पूरा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। तो यहां पर आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पर मैं स्वीप जनरेटर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। स्वीप जनरेटर कैसे प्रोवाइड करता हूँ मैं, स्वीप जनरेटर लगाने से सॉ टूथ वेव फॉर्म जनरेट होता है, जिसको मैं यहां पर VX पर लगाता हूं, और VX पर लगाने से होगा क्या कि जब मैं इस सॉ टूथ वेव फॉर्म को यहां पर VX पर लगा रहा हूं, तो उसी प्रकार मैं एक टेस्ट सिग्नल इस वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर लगाऊंगा, जिसका टाइम पीरियड सेम होगा इस सॉ टूथ वेव फॉर्म के, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर मैं क्या लगाया, स्वीप सिग्नल, स्वीप मतलब क्या होता है, ये स्वीप सिग्नल, ये जो स्वीप सिग्नल है ये कुछ नहीं बल्कि सॉटूथ वेवफॉर्म ही है, उसका दूसरा नाम है स्वीप सिग्नल, को अप्लाई किया यहां पर मैं, ठीक है। और टेस्ट सिग्नल में लगाया वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे, दोनों का टाइम पीरियड को मैं मैच करूंगा, और जब मैं मैच कर पाऊंगा तभी आपका यहां पर वेवफॉर्म शो होगा फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर, राइट। तो यहां पर आपको नोट करना है कि आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर हम स्वीप सिग्नल लगाए और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर हम टेस्ट सिग्नल लगाए, राइट। और यहां पे अब देखो ये क्या है, ये है आपका ब्लैंकिंग सर्किट, ये आपका हो गया ब्लैंकिंग सर्किट, ठीक है। तो ये आपका ब्लैंकिंग सर्किट हो गया, जो कि किसको कंट्रोल कर रहा है, इसको, कंट्रोल ग्रिड या कैथोड ग्रिड को कंट्रोल कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, देखो क्या होता है कि मान लो अगर आप कुछ इस प्रकार का वेवफॉर्म लगाए, इस प्रकार का आपको वेवफॉर्म मेजर करना है, ठीक है, इस प्रकार का स्क्वायर वेव टाइप का, तो क्या होता है कि जब आप इस प्रकार का वेवफॉर्म को मेजर करते हो तो इस दौरान यहां पर ठीक है, यहां पर आपका इतना पूरा रीजन को यहां पर ये जो टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं हम फ्लाईबैक टाइम। तो होता ये है कि जब आपका सिग्नल ऐसे था तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां हमको वेवफॉर्म दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होता, पर जब ये वापस इस टाइम पे आता है जो कि है क्या, फ्लाईबैक टाइम है, उस टाइम पर आपका सीआरओ पर एकदम ब्लरी या फेडेड या धुंधला वेवफॉर्म दिखता है, राइट, या डैश टाइप का दिखेगा, या तो फिर आपका ब्लरी मतलब धुंधला या तो फेडेड टाइप का वेवफॉर्म दिखेगा उस फ्लाईबैक टाइम पर, राइट। तो इसीलिए जो ये धुंधला स्क्रीन मतलब धुंधला वेवफॉर्म जो दिख रहा है उसको हमको ठीक से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैंकिंग सर्किट का यूज करते हैं। तो ब्लैंकिंग सर्किट क्या करता है, ब्लैंकिंग सर्किट जैसे ही फ्लाईबैक टाइम आता है, ये टाइम जब आता है तो वो क्या करता है, अपने पोटेंशियल को, पोटेंशियल के थ्रू आपका कैथोड ग्रिड का पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, राइट। जैसे ही फ्लाईबैक टाइम आता है तो ब्लैंकिंग सर्किट एक्टिवेट होता है और कैथोड ग्रिड के पोटेंशियल को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास हो रहे थे वो कम हो जाते हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं, तो इसलिए आपका फ्लाईबैक टाइम पे ब्लरी इमेज नहीं आता है। तो उस ब्लरी इमेज को हटाने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, ब्लैंकिंग सर्किट को यूज कर रहे हैं, राइट। समझ में आया आपको कि फ्लाईबैक टाइम के दौरान हमने देखा कि आपका जो वेवफॉर्म है वो ब्लरी या फेडेड हो जा रहा है, धुंधला हो जा रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम ब्लैंकिंग सर्किट का यूज करते हैं, जो कि एक्टिवेट हो जाता है फ्लाईबैक टाइम पर और क्या करता है, कैथोड ग्रिड के पोटेंशियल को बढ़ाता है, जिससे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे यहां से, पास हो रहे थे यहां से, वो कम हो जाते हैं और आपका स्क्रीन पर अच्छे से वेवफॉर्म दिखता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या था, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का आपका पूरा का पूरा डायग्राम था, राइट। तो ये अब आप क्या करो, देखो मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, और आप यहां इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं बोलूंगा कि आप इसको आराम से बना लीजिए, राइट, इसको अपने कॉपी में पहले बना लीजिए हेडिंग लिखकर, और अब मैं क्या करूंगा, बोर्ड वाइप करूंगा और एक एक जो पॉइंट्स मैं अभी बोला हूं उसको मैं लिखूंगा, तब तक आप क्या कीजिए, आप बना लीजिए और मैं पॉइंट्स को
लिखता हूँ, राइट। तो अब मैं बोर्ड वाइप करता हूँ और पॉइंट्स को लिखता हूँ। तो अब देखिए, मैंने सारे पॉइंट्स को जो जो पार्ट्स थे आपके सीआरओ के, उनका फंक्शनिंग उनके साथ लिख दिया है, राइट। तो आप तो समझ चुके होंगे कि सारा सीआरओ का पार्ट्स क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या फंक्शन था उनका, वो सब चीज़ हम समझ चुके हैं, राइट। आप अभी तक डायग्राम बना चुके होंगे सीआरओ का। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, आराम से पॉइंट्स को सबको नोट करेंगे, पर पहले मैं एक और पॉइंट लिखूंगा, उसके बाद ही आप पूरा इस सब चीज़ को अपने कॉपी में नोट करेंगे, फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन गन के बारे में मैंने क्या लिखा है, जो बोला था वही लिखा है कि इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स इन कैथोड रे ट्यूब बाय थर्मियोनिक इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, एमिट्स करता है इलेक्ट्रॉन को बाय थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है, ये चीज़। अब देखो, ये सब पॉइंट्स लिखवाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर जैसे कि इस लेक्चर के बाद, सीआरओ कंप्लीट होने के बाद, जब मैं आपको सीआरओ के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, या तो फिर आप खुद भी कभी सीआरओ का न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने एसएससी जेई में या फिर आईईएस में या गेट में, तो आप देखेंगे कि जो ये फंक्शनिंग है ना, ये जो पार्ट्स हैं सीआरओ के, उनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको इन सारे पार्ट्स का रोल नहीं पता है तो आप फिर वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं सब का प्रॉपर एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन का क्या इमिशन था, एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स बाय थर्मियोनिक इमिशन। वैसे ही कंट्रोल ग्रिड का हमने बात किया था कि कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गन से जो आपका एमिट हुआ वहां से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये कंट्रोल करता है। एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी of electron into kinetic energy to control the speed of the electron। तो ये आपका accelerating anode आपका speed को change करता है electron के, कैसे change करता है, potential energy को convert करके kinetic energy में। और अगर ऐसी बात है तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि kinetic energy जो भी आपका develop हो रहा है आपका electron का, potential energy के equal होगा, ठीक है। हम potential energy को जो है इलेक्ट्रॉन में उसी को तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना काइनेटिक एनर्जी में, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपका किसके इक्वल होता है, क्यू वी ए के, ठीक है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और ये आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि आपका जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ रहा है, टू क्यू इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अंडर रूट, राइट। तो यहां पे क्या क्या चीज है, इसको मैं यहां पे स्टार कर देता हूं, ठीक है। तो देखो ये क्या क्या है, ये आपका पहला वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है आपको पता है, ये होता है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम्स, ठीक है। V एक्सेलरेटिंग क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है आपका, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किसका इक्वल होता है, 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kgs, राइट। तो ये हो गया आपका सारा चीज, राइट। तो एक्सेलरेटिंग एनोड आपका वेलोसिटी को चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस मच। तो अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के। तो इसका मतलब अगर मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को चेंज करूंगा तो मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी चेंज कर पाऊंगा, है ना। तो इसी से आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चेंज, एक्सेलरेटिंग एनोड चेंज करता है आपके एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को, और उसी तरीके से आपके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज करता है। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, बाय एडजस्टिंग, यहां पे लिखता हूं नीचे में, बाय एडजस्टिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पोटेंशियल वी कैन एडजस्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडजस्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, हो सकता है कि ये दोनों चीज आपके यूज में आ जाए बाद में, कहीं न्यूमेरिकल दिया तो इसमें से दे सकता है,
राइट, ये तो ये हो गया आपका एक्सेलरेटिंग एनोड की कहानी। फोकसिंग एनोड भी हमें अच्छे से पता है क्या करता है, वो उसी को मैं लिखा हूं नया। फोकसिंग एनोड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल इलेक्ट्रॉन कॉनकेव लेंस। तो ये आपको याद रखना है कि ये वर्क किस पे करता है, डबल इलेक्ट्रॉन कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि फोकसिंग एनोड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ डबल इलेक्ट्रॉन कॉनकेव लेंस के। ठीक है, इट फोकस द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। बाय एडजस्टिंग द फोकस एनोड, फोकल पॉइंट कैन बी एडजस्टेड। फोकल पॉइंट क्या मतलब, जो पॉइंट पे आप फोकस कर रहे हो उस पॉइंट को आप एडजस्ट कर सकते हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग एनोड। अब यहाँ पे एक नया बात सीखने को मिला हमें कि टेलीविजन सीआरओ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकस कंट्रोल यूज होता है। जो हम टेलीविजन यूज करते हैं उसके सीआरओ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकस कंट्रोल होता है, लेबोरेटरीज में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस कंट्रोल होता है, और जो कंप्यूटर सीआरओ होता है उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फोकस कंट्रोल किसमें किसमें यूज होते हैं, अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखोगे, टेलीविजन में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकस कंट्रोल, लेबोरेटरीज में, लेबोरेटरीज के सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस कंट्रोल, कंप्यूटर में दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस कंट्रोल। राइट, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट, कि ये जो आपका ये पॉइंट आपका एग्जाम में आया हुआ है एस्टिग्मटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मटिज्म क्या होता है वो पूछा जाता है आपसे, तो वो होता है आपका फॉर फाइन फोकस कंट्रोल। फाइन मतलब गुड, बेटर गुड फोकस कंट्रोल या बेटर फोकस कंट्रोल के लिए, ज्यादा अच्छे से हमको फोकस कंट्रोल को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल डीसी पोटेंशियल इज अप्लाइड, छोटा सा डीसी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टिग्मटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मटिज्म राइट। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आईईएस में भी पूछा गया है, एसएससी जेई में भी आ सकता है कि एस्टिग्मटिज्म का मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है कि हम अगर बेटर फोकस कंट्रोल चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल डीसी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर। राइट, तो फॉर फाइन फोकस कंट्रोल। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके। राइट, और क्या पॉइंट आ सकता है एसएससी जेई में, जो आया भी हुआ है एसएससी जेई में, क्या कि फोकसिंग एनोड कहां पे लोकेटेड होता है। तो आप देखिए, अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है सीआरओ का, तो फोकसिंग एनोड आपका बिटवीन होता है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच में, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको मैं अभी इस लेक्चर के बाद जो मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा एसएससी जेई में, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था कि फोकसिंग एनोड कहां लोकेटेड होता है, तो इसी कारण मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। राइट, तो इसीलिए ना जितने भी मैं नोट्स मतलब जो भी आपको मैं पढ़ाते जा रहा हूं मेजरमेंट में, आप क्या कीजिए, किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए, चाहे आप मुझे फॉलो कीजिए या किसी और को भी, उसके प्रॉपर नोट्स आप मेंटेन करते हुए चलिए। राइट, पूरा का पूरा अगर आप नोट्स मेंटेन करते चलोगे ना तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, और एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लिए ना तो आप फिर सारे न्यूमेरिकल्स उसके अटेम्प्ट कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन अगर बाहर से भी आ रहे हैं तो भी आप उसको थोड़ा बहुत टैकल कर पाओगे। राइट, तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि फोकसिंग एनोड आपका प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच में था, और वही क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में आया हुआ है। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब मैं फिर से बोर्ड वाइप करता हूं और जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनका फंक्शनिंग अब लिखता हूं। तो आप क्या करेंगे, पहले इनको तब तक के लिख लेंगे अपने कॉपी में। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का फंक्शनिंग और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का फंक्शनिंग, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन का फंक्शनिंग। ठीक है, चलिए जल्दी से पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे। जो जो पॉइंट्स मैं आपको समझा चुका हूँ वही चीज यहाँ पे लिखा होगा। देखिए, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन, ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझाया था, एंड यूज टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली। ऐसे करके वर्टिकली रखा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, वर्टिकली शिफ्ट कर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आपका वर्टिकली रखा जाता है इलेक्ट्रॉन को, कैसे, हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करने के लिए। राइट, अब देखो, A sawtooth or sweep signal is applied to the horizontal deflecting plate. ये चीज मैंने बोला था आपको कि sawtooth और sweep signal, देखो practically या फिर मैं बोलूँ ideally आपका जो sawtooth signal होता है वो कैसे दिखता है, कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, ये ऐसे दिखता है। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5. Right? तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका राइज टाइम हो गया, यहां से यहां राइज टाइम हो गया, और यहां से यहां आपका फ्लाई बैक या फॉल टाइम आप बोल सकते हो। राइट, तो ये आपका आइडियल केस है किसका, सॉ टूथ वेव का। राइट, तो अब हमारा जो सॉ टूथ या स्वीप सिग्नल है वो अप्लाई किया जाता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में, ये चीज मैंने आपको बताया था,
विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ओपैम्प और यूजेटी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, यूजेटी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर या फिर ओपैम्प से इस स्वीप सिग्नल को प्रोड्यूस किया जाता है और उसे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू गेट द वेव फॉर्म ऑन द स्क्रीन द टाइम पीरियड ऑफ द ऑफ सॉ टूथ वेव फॉर्म अप्लाइड ऑन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट मस्ट बी इक्वल टू द टेस्ट सिग्नल अप्लाइड ऑन वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। ठीक है, देखो कितने अच्छे से मैंने सारा पॉइंट्स जो भी आपका एग्जाम में जरूरी है, क्या फिर आप कभी भी रिविजन करने के लिए आपको जो भी सीआरओ को पूरा रिवाइज करने के लिए जो जो पॉइंट्स आपके नेसेसरी वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको वेवफॉर्म चाहिए स्क्रीन पे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ द ये है सॉ टूथ वेव सिग्नल है वो इक्वल होना चाहिए आपका टेस्ट सिग्नल जो आप किस पे अप्लाई कर रहे हो, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे अप्लाई कर रहे हो, दोनों का सिग्नल का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। राइट, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, ये पूरा का पूरा इसका टाइम पीरियड है सॉ टूथ वेव का, ये किसके इक्वल होना चाहिए, टेस्ट सिग्नल के टाइम पीरियड के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर आपको सीआरओ के स्क्रीन पे वेवफॉर्म चाहिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वेवफॉर्म चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हॉरिजॉन्टल डिफेक्टिंग प्लेट पे, ये आपका सपोज करो हॉरिजॉन्टल डिफेक्टिंग प्लेट हो गया ये Vx और ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट हो गया Vy, तो आप हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे क्या अप्लाई करोगे, सॉ टूथ सिग्नल अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सॉ टूथ सिग्नल आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये और आपका जो टेस्ट सिग्नल है, टेस्ट सिग्नल वो कहां पे अप्लाई करोगे आप, इसमें जिसका टाइम पीरियड आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके तो देखो टाइम पीरियड दोनों का सेम हो रहा है तब जाकर आपको वेवफॉर्म दिखेगा सीआरओ स्क्रीन पे। राइट, तो यहां पे टेस्ट सिग्नल अप्लाई किया गया वर्टिकल वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे आपका स्वीप सिग्नल या फिर सॉ टूथ वेव सिग्नल अप्लाई किया गया जो कि किससे प्रोड्यूस हुआ था, ओपैम या यूजेटी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर से प्रोड्यूस किया गया था। राइट, और दोनों का टाइम पीरियड हमारा सेम है, ये देखो कि सेम टाइम पीरियड। राइट, तो यही चीज लिखा गया है यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। राइट, अब देखो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में क्या लिखा हुआ है, यही जो मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आर केप्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स आपका वर्टिकली डिफ्लेक्ट हो जाए एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकली। टेस्ट सिग्नल हुज वेवफॉर्म इज टू बी ऑब्जर्व्ड, देखो ये क्या है, टेस्ट सिग्नल है, इसी का वेवफॉर्म आपको यहां पे सीआरओ स्क्रीन पे चाहिए, तो टेस्ट सिग्नल को मैं किसमें अप्लाई किया हूं, इसमें वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे अप्लाई किया हूं तभी आपको सीआरओ पे वेवफॉर्म मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सिग्नल हुज वेवफॉर्म इज टू बी ऑब्जर्व्ड इज अप्लाइड टू वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, तो ये आपका हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का बात। अब देखो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, इसका भी फंक्शन आपको मैं समझाया था, वही चीज मैं यहां पे पूरा अच्छे से लिख दिया हूं, क्या कि when electrons are traveling through the cathode ray tube, cathode ray tube क्या होता है, जो आप बड़ा सा वो जो शाफ्ट देख रहे थे, जो ट्यूब था जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन गन कंट्रोल ग्रिड प्री एक्सलेटिंग एनोड फोकस एनोड और एक्सलेटिंग एनोड था, वो पूरा किसमें था, ट्यूब में था, उसी को बोला जा रहा है कैथोड रे ट्यूब, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, कैसे होती है, पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, व्हेन दे स्ट्राइक द स्क्रीन दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गया विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स, अब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा किससे, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल से, एंड दे कन्वर्ट इट इनटू लाइट एनर्जी। यही चीज मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल में, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। राइट, तो ये चीज आप पूरा लिख लोगे ताकि आपको कभी भी कुछ भी आपको डाउट हो, सीआरओ आपको बाद में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, कभी भी आप पेज पलटा के देखोगे तो सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। राइट, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट सीआरओज में कौन कौन सा फॉस्फोरस यूज किया जाता है वो बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो P2 फॉस्फोरस आप P2 आपका यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट सीआरओ में, P4 यूज करते हैं कलर्ड सीआरओ में, P6 यूज करते हैं जनरल पर्पस सीआरओ में, P11 यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग सीआरओ में। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा कि ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, उसके सीआरओ में हम क्या यूज करते हैं, P11 यूज करते हैं, P
P15 यूज करते हैं, स्टोरेज सीआरओ। स्टोरेज सीआरओ क्या होता है कि जिस सीआरओ में वेवफॉर्म को स्टोर करने के लिए आपके पास मेमोरी होता है वो होता है आपका स्टोरेज सीआरओ, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ सीआरओ भी मैं डील करूंगा अभी इसके बाद, अभी मैं पार्ट्स की फंक्शन लिखवा रहा हूँ, राइट। तो अब हमारा एक लास्ट पार्ट बचा, कौन सा? एक्वाडेग कोटेड स्क्रीन, जो आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है, राइट। तो ये सब पॉइंट्स को आप लिखेंगे। अब मैं फिर से बोर्ड को वाइप करता हूं, और एक्वाडेग कोटेड स्क्रीन और आपका टाइप्स ऑफ सीआरओ के ऊपर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखता हूं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्वाडेग ग्रेफाइट कोटिंग के बारे में और स्पेशल सीआरओ के बारे में, राइट। तो जैसा कि आपको पता है, एक्वाडेग ग्रेफाइट कोटिंग के बारे में मैं आपको पहले से बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने की कोशिश करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वापस कैथोड रे ट्यूब में मत जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको कैप्चर करने के लिए एक्वाडेग ग्रेफाइट कोटिंग यूज करते हैं। तो वही चीज मैंने लिखा है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर दो इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, या फिर फॉस्फर कोटेड स्क्रीन, ठीक है, इसको फॉस्फर कोटेड स्क्रीन फॉर कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी विद इन सीआरटी एक्वाडेग ग्रेफाइट कोटिंग इज यूज, ठीक है। तो इसको हम किस लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी के लिए भी यूज करते हैं, ताकि ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूट्रल रहे आपके सीआरटी में, कैथोड रे ट्यूब में, इसलिए भी हम कैथोड रे एक्वाडेग ग्रेफाइट कोटिंग यूज करते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे ये लास्ट पार्ट था हमारा सीआरओ का, तो आपको यहाँ तक आपकी पूरी की पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि सीआरओ का एक एक पार्ट क्या क्या फंक्शनिंग करता है, करेक्ट। हाँ, तो अब देखो स्पेशल सीआरओ के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट से भी इंपॉर्टेंट है, कहीं एक दो क्वेश्चन आ गया तो आपको अटेम्प्ट करने आना चाहिए, राइट। तो देखो, फर्स्ट है आपका ड्यूल ट्रेस सीआरओ। ड्यूल ट्रेस सीआरओ, इसमें क्या होता है कि दिस सीआरओ कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बीम, एक इलेक्ट्रॉन बीम, या जो इलेक्ट्रॉन गन बोल रहे हैं वही आपका इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है। एंड टू वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या होगा? दो होंगे इसमें। देखो, आपका अभी जो हम लोग, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें सिर्फ एक, मतलब कि प्लेट्स तो दो थे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में, पर वो वैसे ही एक और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट रहेगा टोटल, मतलब कि ऐसे टाइप के, ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट वन, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट टू, तो ऐसे करके दो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट रहेंगे, ठीक है, VY1 VY2, ये तो ऐसा बोलना चाह रहा है ड्यूल ट्रेस सीआरओ में, राइट। तो दो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आपके पास रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से पता है कि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में हम क्या लगाते हैं? टेस्ट सिग्नल लगाते हैं। तो अगर मेरे पास दो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, तो मैं क्या करूंगा, दो टेस्ट सिग्नल्स लगा पाऊंगा, और उससे मैं दो टेस्ट सिग्नल्स ऑब्जर्व कर पाऊंगा या मेजर कर पाऊंगा सीआरओ पे। बट यहां पे क्या होगा कि दो टेस्ट सिग्नल तो आप जरूर लगा पाओगे, पर दोनों टेस्ट सिग्नल को एक साथ सीआरओ में ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों टेस्ट सिग्नल को एक साथ अगर ऑब्जर्व करना है या मेजर करना है सीआरओ में, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लेक्सर का यूज करना पड़ेगा, राइट। मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे, तो देखो वही सारी चीज मैंने यहां पर लिखी है कि ड्यूल ट्रेस सीआरओ में क्या होता है, दिस सीआरओ कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बीम एंड टू वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, राइट। बिकॉज ऑफ टू वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स वी कैन मेजर टू डिफरेंट वेवफॉर्म्स बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं मेजर कर पाएंगे या ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर साइमल्टेनियस विजिबिलिटी, एक साथ अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लेक्सर का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, ये जो आपका गेट में भी आया हुआ है, और ये पॉइंट आपका एसएससी जेईई आईईएस में भी आ सकता है, राइट। तो गेट में ये 2 मार्क्स का आया था, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से सुनना है कि क्या बोलने वाला हूं मैं। तो ये आपको इतना समझ में आएगा कि अगर हमको दो वेव फॉर्म्स को एक साथ, देखो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट दो है, तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, दो टेस्ट सिग्नल अप्लाई कर सकता हूँ, पर दोनों को साथ में मेजर या ऑब्जर्व नहीं कर सकता। पर अगर मैं मल्टीप्लेक्सर को यूज करूं तो मैं दोनों सिग्नल्स को एक साथ ऑब्जर्व कर सकता हूं। अब अगर मैं मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहा हूं तो द कंट्रोल इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर यूज्ड इन द वाई सर्किट इज फेड विद अ सिग्नल हैविंग अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम बेस स्वीप ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये गेट में सोचो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, कुछ भी इसमें अलग नहीं है,
यही क्वेश्चन फ्रेम किया गया था 2 मार्क्स में, सोचो। तो इसीलिए मैं जो आपको इतना सारा लिख के एक एक पॉइंट आपको लिख के दे रहा हूँ ना, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सीआरओ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सीआरओ के थ्योरी पार्ट से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो इसलिए आपको इसका थ्योरी समझना जरूरी है। जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद हम जब डिस्कस करेंगे लिसा जस पैटर्न और फिर उसका हाउ टू मेजर फ्रिक्वेंसी, हाउ टू मेजर फेस डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें भी हम मेजर करेंगे, ठीक है। वी पीक टू पीक के बारे में बात करेंगे, कितने साइकिल डिस्प्ले होंगे सीआरओ में, तो वो सब आपका न्यूमेरिकल पार्ट होगा सीआरओ का। बट यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल पार्ट जो अभी हम आगे करेंगे वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको भी आप ध्यान से सब कुछ नोट करते हुए चलेंगे, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गेट में आया हुआ एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। द कंट्रोल इनपुट, जो आपका इनपुट है मल्टीप्लेक्सर का, जिसमें 2 सिग्नल्स जा रही हैं, टेस्ट सिग्नल जा रही हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए किससे, स्वीप सिग्नल, ये जो शॉर्ट आउट सिग्नल जो आप लगा रहे थे एक्स प्लेट में, हॉरिजॉन्टल डिफ्रेक्टिंग प्लेट में जो लगा रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी से हाफ होनी चाहिए। तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो कि आपका सीआरओ हो गया, ठीक है, ये सीआरओ स्क्रीन हो गया, सपोज करो ये सीआरओ स्क्रीन हो गया। अब आप देखो यहां पे मैंने क्या किया है, एक ये, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, इसको मैं ले लेता हूं HDP, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, और ये आपका हो गया YDP, ठीक है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, राइट। तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट हो गया और यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट हो गया। तो अब आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में हम क्या अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं सॉ टूथ सिग्नल, ठीक है। तो सॉ टूथ सिग्नल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब इसी को मैं क्या बोलता हूँ, स्वीप सिग्नल बोलते हैं हम, तो ये स्वीप सिग्नल है और स्वीप सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जो बोली जा रही है वो क्या है, F=1/T के इक्वल है, और ये T क्या है, ये है टाइम पीरियड, ये, ठीक है। तो यहां तक तो बात क्लियर है, पर अब यहां पे क्या हो रहा है ड्यूअल ट्रेस सीआरओ में, कि हम क्या कर रहे हैं, 2 सिग्नल को लगा रहे हैं, 2 टेस्ट सिग्नल को लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो यहां पे आपका ये हो गया, मल्टीप्लेक्सर यूज कर लेता हूं मैं, ये आ गया आपका मक्स, ठीक है। अब मक्स में क्या हो रहा है कि एक आपका हो गया ये, एक सिग्नल हो गया ये, तो यहां पे आप एक सिग्नल बना दे रहा हूं, राइट, जगह कम पड़ रही है हमारे पास, तो ये हो गया F=1/T, राइट। तो अब देखो एक सिग्नल सपोज मैं इस प्रकार कुछ बना देता हूँ, ये इस प्रकार, ठीक है, इसको ऊपर कर देता नहीं तो दिखेगा नहीं तो आपको, ये एक सिग्नल ये हो गया, दूसरा सिग्नल मैं यहां पे ऐसे अप्लाई कर रहा हूं, राइट। अब बोला ये जा रहा है कि अगर स्वीप सिग्नल का टाइम पीरियड ये है और स्वीप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये जो 2 सिग्नल आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक सिग्नल ये 1 और दूसरा सिग्नल ये, इन दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी आपके स्वीप सिग्नल के हाफ होनी चाहिए, राइट। तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, F1 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F sweep/2 और F2 भी जो होगा वो भी क्या होगा, F sweep/2, राइट, ये देखो, ठीक है, ये और ये आपका क्या है, F sweep है, ये स्वीप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो यही चीज आपका क्वेश्चन आया था गेट में डायरेक्टली, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। देखो मतलब ये क्या, नॉर्मल सीआरओ में हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे सॉ टूथ वेवफॉर्म लगाया था, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में टेस्ट सिग्नल लगाया था, और मैंने ये बोला था कि अगर आपको वेवफॉर्म ऑब्जर्व करना है सीआरओ स्क्रीन में, तो दोनों सिग्नल्स, टेस्ट सिग्नल और सॉ टूथ सिग्नल की टाइम पीरियड सेम होनी चाहिए, है ना। पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, ड्यूअल ट्रेस सीआरओ, जो स्पेशल सीआरओ है, इसमें 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट होते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होते हैं, तो आप दो सिग्नल एक साथ लगा सकते हो, पर एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एक साथ ऑब्जर्व करने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज कर रहे हैं। और ये बोला जा रहा है कि अगर आप मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हो, तो जो स्वीप सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 1/टाइम पीरियड, ये एफ स्वीप जो है, मतलब कि शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी जो है, उसको निकालने के बाद आपको ये होना चाहिए कि 2 सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लेक्सर में, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी
क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए आपके स्वीप सिग्नल के। तो वही पॉइंट मैंने यहां लिखा है, द कंट्रोल इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर यूज्ड इन द वाई सर्किट इज फेड विद अ सिग्नल हैविंग अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम बेस्ड स्वीप ऑसिलेटर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका आया था। नाउ ये हो गया, अब हम बात करते हैं ड्यूअल ट्रेस सीआरओ के बारे में। हियर वी यूज टू इलेक्ट्रॉन गन, दो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, दो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होते हैं और दो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि आप दोनों सिग्नल्स को विदाउट मल्टीप्लेक्सर एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हो सीआरओ स्क्रीन पे। ठीक है, क्योंकि इसमें दो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, दो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और दो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं इसलिए। नाउ हाई फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग सीआरओ में क्या होता है कि इसमें आपका वेलोसिटी को और इंक्रीज करने के लिए, ठीक हो, एक्सिलेटिंग एनोड आपका और प्री एक्सिलेटिंग एनोड आपका वेलोसिटी को इंक्रीज करता था, पर अगर हमको और एक्सिलरेट करना है इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को तो हम क्या यूज करते हैं, एक्स्ट्रा पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड यहां पे यूज करते हैं। अब देखो और क्या बोला जा रहा है, टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम शॉर्ट परसिस्टिंग फॉस्फोरस कोटिंग इज यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी सीआरओ। ठीक है, और अगर ब्राइटनेस को और भी ज्यादा बढ़ाना है सीआरओ के तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, शॉर्ट परसिस्टिंग फॉस्फोरस कोटिंग स्क्रीन। ठीक है, अब देखो एक और चीज बोला जा रहा है कि ये सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो ये था आपका हाई फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग सीआरओ का कहानी। अब देखो स्टोरेज सीआरओ के बारे में बात करते हैं। स्टोरेज सीआरओ जो होता है ये क्या होता है, इसमें मेमोरी चिप होता है जो वेवफॉर्म को स्टोर करता है, तो जैसा कि नाम है वैसे ही काम है, राइट। और देखो यहाँ पे ड्यूअल बीम सीआरओ आपको जो था वो रिसर्च लैबोरेटरीज में यूज होता है। तो ये सारा पॉइंट हो गया आपका किसके बारे में, स्पेशल सीआरओ के बारे में, जिसमें से जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपका एग्जाम में आ चुका है। सोचो गेट जैसा एग्जाम में जिसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी ये थ्योरी क्वेश्चन आया था। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये सीआरओ का थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारे थ्योरी जो था सीआरओ का वो मैंने कवर करवा दिया है, सारे फंक्शंस का पार्ट सब कुछ। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ न्यूमेरिकल पार्ट पे, जो होगा आपका लिसा जस पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करना है और आपका फेज डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करना है, आपका मेजरमेंट ऑफ सीआरओ कैसे होगा, मतलब कि वोल्टेज कैसे मेजर करोगे, टाइम बेस्ड सेटिंग, एम्पलीट्यूड, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी के बारे में। तो देखिए डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होता है, देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गन से निकल रहा है, राइट, और वो कैथोड रे ट्यूब से होते हुए जा रहा है, ये स्टोरी हमें बहुत अच्छे से पता है कि नहीं। तो आपका जो ये आपके सीआरओ कुछ इस प्रकार था, हम लोग अब डिस्कस कर चुके हैं ये, ठीक है। तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन आराम से निकला, राइट, इलेक्ट्रॉन गन से यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये जो स्क्रीन है, यहां पे जो स्क्रीन है, यहां पे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट आ गया आपका, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट आ गया। अब यहां से ना इस पॉइंट से आपका इलेक्ट्रॉन एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है, तभी आपका वेवफॉर्म आपका स्क्रीन में दिखाई देता है, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन में दिखाई देता है। तो यहां तक तो समझ में आया लीनियर पाथ था, पर यहां से हम लोग का पैराबोलिक पाथ स्टार्ट होता है। तो कैथोड रे ट्यूब के अंदर आपका लीनियर पाथ है, इलेक्ट्रॉन आपका सीधा जा रहा था। अब यहां से हमारा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी के बारे में हमको डिस्कस करना है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आपका पैराबोलिक पाथ बना रहा है, राइट, और आपका वेवफॉर्म दे रहा है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे, राइट। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको समझना है, बस उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बस फॉर्मूला को हमको ध्यान देना है, राइट। तो इसको मैं मिटाता हूं, राइट। तो मैंने बोला आपको कि सीआरओ में जो आपका डिफ्लेक्शन वाला पार्ट है उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए कुछ इस प्रकार से, ये आपका हो गया लीनियर पाथ और आपका जो ये स्क्रीन आप समझ लो, ठीक है। राइट, और ये आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन होते हुए जा रहा है आपका, राइट, और यहां पे आपका ये दोनों जगह मैं क्या दे रहा हूं, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट दे रहा हूं। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में आपको दिखाया डायग्राम में, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन स्क्रीन की तरफ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है आपका, अब यहां पे एक एक चीज को मैं टर्म्स को यहां पे आइडेंटिफाई करता हूं। तो ये जो इतना जो एरिया है ये क्या है, कैपिटल डी, ठीक है। कैपिटल डी मतलब क्या,
डिफ्लेक्शन इन द स्क्रीन इन मीटर्स। ठीक है, तो इसको मैं एक एक चीज को यहां पे लिख भी देता हूं आपको समझने के। तो डी क्या है आपका, डी है आपका डिफ्लेक्शन इन स्क्रीन, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर्स में रहेगी। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन है, देखो ये स्ट्रेट लाइन की जगह इसमें जा रहा है, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है वो दिखा रहा है डी, राइट। अब देखो ये क्या है, लेंथ ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट। ठीक है, किसका लेंथ भाई, ये है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है अपना, तो एलडी क्या है, लेंथ ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, और ये भी किस में होगा, मीटर्स में होगा। ठीक है, और क्या चीज देख सकते हैं, ये क्या है, सेंटर, सेंटर है किसका, दो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग जो प्लेट है उनके बीच में, उनके बीच का सेंटर। ठीक है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का मिड पॉइंट से लेकर ये स्क्रीन के मिड पॉइंट तक, स्क्रीन के मिड पॉइंट का डिस्टेंस किसको ले रहा हूं मैं, कैपिटल है। ठीक है, तो L क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट टू स्क्रीन इन मीटर्स, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, मैं एक चीज आपको बताते भी जा रहा हूं और उनको लिखते भी जा रहा हूं कि आप कहीं डाउट ना हो। अब देखिए यहां पे एक पोटेंशियल दे देता हूं मैं, ये क्या हो गया Vy हो गया, Vy क्या होगा आपका, आपको पता है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में हम क्या लगाते हैं, टेस्ट सिग्नल लगाते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। इसका मतलब क्या कि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल लिखने वाला हूं यहां पे मैं, तो पोटेंशियल ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है, और ये किसमें है, वोल्ट्स में, राइट। ठीक है, और देखो एक और चीज आपको पता होना चाहिए, एक एनोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, एनोड पोटेंशियल कहां पे होता है आपको पता है अच्छे से, हम सीआरटी में डिस्कस किए थे, राइट। तो ये आपका एनोड पोटेंशियल हो गया, ये भी किसमें है, वोल्ट में, राइट। तो अब आप देखिए ऑलमोस्ट सभी चीज का नाम मैंने दे दिया है, तो देखो ये आपका क्या हो गया, यही टॉपिक को मैं बात कर रहा हूं, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। हेडिंग दे देते हैं यहां पे, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, तो यहां पे डिस्कशन ये चल रहा है हम लोग का कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन है उसमें Vy क्या है, पोटेंशियल ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, और Va आपका एनोड पोटेंशियल है, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड स्क्रीन इज L, कैपिटल L, लेंथ ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट इज LD, और अगर ये सब चीज हमको पता है तो आपका डिफ्लेक्शन कितना होगा स्क्रीन पे वो हमें अगर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है यहां पर आप देखिए, तो D इज इक्वल टू ये हो जाएगा L, LD Vy अपॉन 2 Va D, ठीक है, और D यहां पे मैं आपको लिखना भूल गया कि ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, राइट। तो यहां पे एक और चीज लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, प्लेट, और ये किसमें होगा, ये भी एक होगा इन मीटर्स, राइट। तो यूनिट्स आपको खास कर याद रखेंगे, क्योंकि क्या होता है
कुछ चीज आपको सेंटीमीटर में दे दिया तो आपको पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला में पुट करोगे, वरना आपका वैल्यू गलत आएगा, राइट। तो इसलिए आप यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। तो अभी मैं किसका बात निकाल रहा हूं, अभी मैं डिफ्लेक्शन निकाल रहा हूं, कैपिटल डी निकाल रहा हूं, कि अगर डी डिस्टेंस है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बीच और उनका लेंथ है एल डी और सेंटर ऑफ द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से स्क्रीन का डिस्टेंस है एल, और अगर वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में पोटेंशियल आपका वी वाई है और एनोड पोटेंशियल आपका वी ए है, तो उस केस में आपका डी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा डी इज इक्वल टू एल एल डी, ठीक है, वी वाई अपॉन टू वी ए डी, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, राइट। ये चीज, तो ये बात हुआ आपका डिफ्लेक्शन का। अब डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी आपको पता है कि हम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने सेंसिटिविटी का बात किया था। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है पर यूनिट चेंज इन आउटपुट अपॉन पर यूनिट चेंज इन इनपुट। तो आउटपुट में कितना चेंज हुआ अगर हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो, राइट। तो चेंज जितना आप इनपुट को चेंज करोगे उतना कितना चेंज हो रहा है आपका आउटपुट में, वही हमको निकालना है। तो आपका क्या है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी आपको याद होना चाहिए, सेंसिटिविटी आपका किसके इक्वल होता है, सेंसिटिविटी चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, ठीक है। तो ये होता है सेंसिटिविटी। अब यहां पे आउटपुट क्या है, आउटपुट में वो क्लियरली दिख रहा है कि डी होगा, क्योंकि आपको एक्चुअली जो डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है वो क्या होगा, आउटपुट होगा, क्योंकि यही तो है आपका वेवफॉर्म बनाएगा ना। तो सीआरओ स्क्रीन पे जो वेवफॉर्म आ रहा है वही तो आपका डिफ्लेक्शन है, तो वो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और इनपुट क्या है, इनपुट है हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो आपका इनपुट हो गया। तो ये अगर आपका इनपुट हो गया तो यहां से क्या मैं बता सकता हूं कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कितना होने वाला है, तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी मेरा यहां पे निकल जाएगा क्लियरली, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी आपका क्लियर निकल जाएगा किसके इक्वल, डी अपॉन वी वाई के इक्वल निकल जाएगा। तो वो किसके इक्वल होगा, एल एल डी अपॉन टू वी ए डी, ठीक है। और इसका यूनिट किसमें होगा भाई, मीटर पर वोल्ट, राइट। तो यहां पे हमको क्या मिल गया, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी के बारे में भी बात हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है ये हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाएगा आपको, या तो फिर आपको एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा इन फॉर्मूला से, राइट। तो ज्यादातर आपको आपके एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल देखने को देखा जा सकता है। तो उसमें आपको एक एक चीज पता होना चाहिए कि एक एक टर्म्स क्या चीज डिनोट कर रहा है, तो वो चीज मैंने आपको लिख दिया है यहां पे, आपको डायग्राम बनाए। ये डायग्राम हम कब कंसिडर कर रहे हैं, ये डायग्राम हम तब कंसिडर कर रहे हैं जब आपका कैथोड रे ट्यूब का डिस्टेंस को आपका इलेक्ट्रॉन कवर कर चुका है, और जब सीआरओ के स्क्रीन पे स्ट्राइक करने वाला रहेगा तो आपका जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसी डिफ्लेक्शन को हम कैलकुलेट किए हैं और उसके बाद डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को कैलकुलेट किए हैं, राइट। तो यहां पे आपका एक एक चीज आप देख लोगे, डिफ्लेक्शन इन स्क्रीन एक बार आप देख लो पूरा क्लियरली, राइट। तो ये आपको पूरा दिख रहा है, डिफ्लेक्शन इन स्क्रीन, लेंथ ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट टू स्क्रीन, ठीक है, ये हो गया। पोटेंशियल ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, एनोड पोटेंशियल, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिफ्लेक्शन हाइट लिख सकते हो, ठीक है, डिफ्लेक्शन हाइट लिख दो या फिर ज्यादा क्लियरिटी के लिए, डिफ्लेक्शन हाइट, इन स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे हाइट देख रहे हैं ये, ठीक है। तो ये आपको क्लियर पिक्चर हो गया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लिसा जस पैटर्न के बारे में। तो ये सब चीज नोट करने के बाद अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो कि क्या होगा, लिसा जस पैटर्न।
तो देखिए लीसा जस पैटर्न में अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सीआरओ से, राइट। एक्चुअल में तो सीआरओ ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा थ्योरी भी डिस्कस किए हैं, न्यूमेरिकल भी इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए आते हैं लीसा जस पैटर्न से। तो इसलिए हमको लीसा जस पैटर्न के न्यूमेरिकल का भी आइडिया होना चाहिए और ये डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड, राइट, चाहे आप कोई से भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो देखो लीसा जस पैटर्न क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए आप अभी जो नॉर्मल सीआरओ पढ़ रहे हो, अभी हम किसका बात कर रहे थे डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी में, नॉर्मल सीआरओ का, राइट। तो नॉर्मल सीआरओ में एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है, एक वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेट में क्या लगाते हो आप लगाते हो सॉ टूथ या स्वीप सिग्नल को लगाते हो, और दोनों एक ही होते हैं जो कि आपके यूजेटी ऑक्सीलेटर या ओपैम से जनरेट होते हैं, ठीक है। उसको हम किसमें लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में लगाते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में किसको लगाते हो आप, टेस्ट सिग्नल को लगाते हो, और दोनों का टाइम पीरियड सेम रखते हो इन केस ऑफ नॉर्मल सीआरओ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ड्यूअल ट्रेस सीआरओ और नॉर्मल सीआरओ में। अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका किसमें आ रहा है, नॉर्मल सीआरओ की बात कर रहे हैं। ड्यूअल ट्रेस सीआरओ जो था वो आपका स्पेशल सीआरओ था जिसमें आपका दो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट था और उसमें हम दो वेव फॉर्म्स को साइमल्टेनियसली देखने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज कर रहे थे, जिसमें हमको यह चाहिए था कि मल्टीप्लेक्सर की जो इनपुट फ्रीक्वेंसीज हैं सिग्नल्स की वो हाफ ऑफ द स्वीप सिग्नल हो, राइट। तो ये चीज आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन केस ऑफ ड्यूअल ट्रेस सीआरओ और नॉर्मल सीआरओ के में। तो अभी हम लोग का डिस्कशन नॉर्मल सीआरओ का चल रहा है। तो नॉर्मल सीआरओ में जब हम लीसा जस पैटर्न को डिस्कस करते हैं तो देखिए आपको समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल में आपका सॉ टूथ वेव या स्वीप सिग्नल लगेगा और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में टेस्ट सिग्नल लगेगा। पर अगर मैं दोनों के दोनों वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और सॉ टूथ वेव, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट दोनों के दोनों प्लेट्स में अगर मैं साइनोसॉइडल सिग्नल लगा दूं तो जो पैटर्न आपको स्क्रीन में दिखेगा वो आपका होगा लीसा जस पैटर्न, राइट। तो आपको क्या समझना है कि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में दोनों के दोनों प्लेट्स में मैं क्या लगा रहा हूं, इस बार साइनोसॉइडल सिग्नल लगा रहा हूं, अलग कोई सिग्नल नहीं लगा रहा हूं, दोनों में साइनोसॉइडल सिग्नल लगा रहा हूं। तो इन दोनों में अगर साइनोसॉइडल सिग्नल लगाऊंगा तो मेरे को जो वेवफॉर्म मिलेगा स्क्रीन पर वो क्या होगा, लीसा जस पैटर्न होगा। तो यहीं पर आपको पहले समझना है कि लीसा जस पैटर्न आया कैसे, तो वो आपको मैंने समझा दिया लीसा जस राइट। तो यहां पे देखिए आप क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं बोला कि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट दोनों पे मैं क्या लगाया हूं, साइनोसॉइडल सिग्नल लगाया हूं, दोनों पे साइनोसॉइडल सिग्नल लगाने से जो पैटर्न हमको दिखेगा वेवफॉर्म, ठीक है, जो वेवफॉर्म दिखेगा सीआरओ स्क्रीन पे वो क्या होगा, लीसा जस पैटर्न। ठीक है, तो आप इसको अपने टर्म्स में अपने लैंग्वेज में लिखेंगे हिंदी या इंग्लिश में कि इफ वी अप्लाई साइनोसॉइडल सिग्नल ऑन बोथ वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट then the waveform observed on the screen is called as लीसा जस पैटर्न, राइट। ठीक है, तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखो लीसा जस पैटर्न कैसे दिखेगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं आपको, तो यहां पर आप देखो Vx, ये क्या हो गया आपका वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में मैं पोटेंशियल को बोल रहा हूं Vy, और यहां पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में पोटेंशियल को बोल रहा हूं Vx। तो आप देखिए Vx मैं क्या बोल रहा हूं, Vm sin omega t, है ना, क्योंकि साइनोसॉइडल सिग्नल लगा रहे हैं हम, तो और Vy भी क्या हो जाएगा, Vm sin omega t, है कि नहीं। तो अगर आप ऐसा लगा रहे हो तो आप देखो कैसे पैटर्न बनेगा, है ना। ये आपका सीआरओ स्क्रीन हो गया, ये सीआरओ स्क्रीन हो गया ये। अब राइट, और ये आपका मैं ले लेता हूं Vx, ठीक है,
और ये आपका वी वाई, राइट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ये आपका वी एक्स आ गया, जो कि किसके इक्वल है, वी एम साइन ओमेगा डी के इक्वल है। ये देखो साइनोसोइडल सिग्नल बनाया हूं, राइट। और यहां पे क्या है आपका वी वाई, ठीक है। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक और साइनोसोइडल सिग्नल बना देता हूं, क्लियर। तो दोनों में मैं साइनोसोइडल सिग्नल अप्लाई कर चुका हूं, राइट। तो यहां पे एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, डिफरेंस के लिए आपको मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा करता हूं, ठीक है, ताकि आपको बाद में क्लियरिटी के लिए अच्छा लगे। तो यहां पे ओमेगा टी प्लस थीटा लिखा हूं मैं, तो एक्चुअल में क्या हो गया, वी एक्स इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी वाई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा क्या है, फेस डिफरेंस है, थीटा क्या है, फेस डिफरेंस है, ठीक है। थीटा अगर फेस डिफरेंस है तो अगर मैं थीटा की वैल्यूज को चेंज करते जाऊंगा तो वैसे ही हमारा फेज डिफरेंस को चेंज करते करते मैं लिसेनर्स पैटर्न को भी चेंज करूंगा, मतलब कि हर अलग फेज डिफरेंस के लिए मुझे अलग अलग लिसेनर्स पैटर्न देखने को मिलेंगे सीआरओ स्क्रीन पे, राइट। पर इवेंचुअली हम लोग का जो वेवफॉर्म जो आएगा वो किसके कारण आ रहा है, Vx में साइनोसोइडल सिग्नल है, Vy में भी साइनोसोइडल सिग्नल है, बस फेज डिफरेंस को मैं चेंज करके लिसेनर्स पैटर्न जो ऑब्जर्व हो रहा है स्क्रीन में उसको चेंज कर सकता हूं, राइट। तो अगर मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, Vx is equal to Vm sin omega t, यहां पे ले रहा हूं Vy is equal to Vm sin omega t, मतलब कि अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं उसमें क्या कर रहा हूं, एग्जांपल में आपको ये बोल रहा हूं कि एग्जांपल में आपका थीटा को आप ले लो व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, ठीक है। थीटा अगर जीरो डिग्री है तो मतलब कि क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बीच जो सिग्नल लग रहा है उसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, राइट। थीटा इज इक्वल टू जीरो, देखो साइनोसोइडल सिग्नल लग गया। अब आपका जो सीआरओ है ना वो आपका वेक्टर एडिशन या वेक्टर रिजल्टेंट लेगा आपका यहां पर, ठीक है। तो यहां पे मैं ले रहा हूं सीआरओ विल गिव, यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो, सीआरओ विल गिव वेक्टर रिजल्ट, वेक्टर एडिशन रिजल्ट, एडिशन रिजल्ट एस आउटपुट, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन रिजल्ट कैसे दिखता है आपको, देखो वी आर इज इक्वल टू ये हो गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस टू वी एक्स वी वाई कॉस ऑफ एंगल कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, फेस डिफरेंस है, राइट। तो ये आपका आउटपुट आएगा रिजल्टेंट। तो यहां पर देख रहे हैं कि कैसे आउटपुट बनाता हूं मैं, तो यहां पर अलग अलग पॉइंट कंसिडर करो। एट ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो डिग्री, जीरो डिग्री ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो डिग्री, जीरो डिग्री में क्या आ रहा है, देखो दोनों की वैल्यू वी एक्स और वी वाई क्या है, जीरो है। वी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वी वाई इज इक्वल टू जीरो, वी एक्स वी वाई जीरो, तो ओवरऑल क्या होगा, वी आर रिजल्टेंट वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ये देखो, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगर मैं बात करूं पाई बाई टू में, तो पाई बाई टू में क्या हो रहा है, आपका 90 डिग्री है, यहां पे भी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा हमको, वी एट, मैं यहां पे लिखता हूं एट एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो वहां पे क्या देखने मिल रहा है मेरे को, वी एक्स इज इक्वल टू वी एम मिल रहा है, वी वाई इज इक्वल टू वी एम मिल रहा है, तो वी आर किसके इक्वल है भाई, वी आर आप देखो वी एम स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, वी एम वी एम क्या हो गया आपका, ये दोनों हो गए आपके 2vm स्क्वायर, cos थीटा कितना है, थीटा भाई आपका 0 डिग्री है तो फिक्स है हमने को, है ना। तो कितना हो गया आप इसको चेक करो, ये आ गया आपका vm स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर प्लस 2vm स्क्वायर, है कि नहीं, cos ऑफ cos थीटा, राइट। तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास 2vm स्क्वायर 4vm स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 2vm, राइट। तो यहां पे अगर आपको मिलता हूं तो ये आपका आ गया 2vm, ठीक है, पाई बाय टू पे 2vm, राइट। और अगर मेरे को दिखाना है कि एंगल कैसे, मैं यहां पे मैं एंगल कैसे डायरेक्टली बना दिया, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आप डायरेक्टर आप डायरेक्टली 45 डिग्रीज का एंगल क्यों बना दिए, तो इसलिए बनाया मैं क्योंकि आप डायरेक्टली निकाल सकते हो एंगल, एंगल कैसे निकलेगा, टेन इनवर्स
Vx upon Vy, sorry, Vy upon Vx is equal to how much? 45 degrees, है ना? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? Vm है, तो 45 degrees हो गया, तो इसलिए मैं क्या बोला कि pi by 2 पे आपका वैल्यू क्या होगा? 2 Vm होगा, और यहाँ पे जो लाइन जो बना मेरा वो क्या होगा आपका 45 degrees से एंगल बनाएगा. कैसे निकालेगा? tan इनवर्स Vy by Vx is equal to 45 degrees, right? अब अगर मैं इस पर फिर से बात करूं इसका एट हाउ मच पाई, मतलब कि 180 डिग्रीज में क्या होगा? अगेन दोनों की वैल्यू क्या है? जीरो है, देखो, है ना, दोनों की वैल्यू जीरो, तो फिर से वही हो गया, Vx इज इक्वल जीरो जीरो जीरो, है ना. अब अगर आप देख रहे होगे इस पॉइंट में, फिर से किस कौन सा पॉइंट? 270 डिग्रीज पे, 270 डिग्रीज पे, तो अगर आप देखोगे एट द रेट ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π/2, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? Vx इज इक्वल टू माइनस Vm, Vy इज इक्वल टू माइनस Vm, और Vr किसके, यहां पे 2Vm है ना ये आपका, और Vr किसके इक्वल आ रहा है, देखो चेक करो किसके इक्वल आ रहा है भाई, यहां पे माइनस Vm स्क्वायर, तो Vm स्क्वायर हो गया माइनस Vm, Vm का स्क्वायर, फिर से Vm स्क्वायर हो गया माइनस Vm, माइनस Vm कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2Vm स्क्वायर, और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, cos कितना है? फिर से 0 डिग्री है, तो फिर से कितना आ गया? 2Vm आ गया, ठीक है, 2Vm आ गया. पर अभी यहां पे एंगल निकालना बहुत जरूरी है, तो एंगल कितना होने वाला है हम लोग का? tan इनवर्स Vy कितना है? माइनस Vm, और ये क्या है? माइनस Vm, तो ये किसके इक्वल होगा? 45 डिग्रीज? नहीं, बिल्कुल गलत. आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका, अगर मैं यहां पे एक्सिस बना रहा हूं, क्वाड्रेंट बनाया, तो अगर आपका Vy, मतलब कि अगर आपका y एक्सिस नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? ये क्वाड्रेंट हो गया. x एक्सिस नेगेटिव है, तो ये कौन सा हो गया? ये वाला लाइन हो गया. तो मतलब कि आपका पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? इस थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो ये 45 डिग्रीज तो होगा नहीं, ये क्या होगा? 180 प्लस 45, मतलब कि क्या? 225 डिग्रीज बना रहा है ये. तो कभी भी आप गलती मत कीजिएगा कि ये तो भाई कैंसल आउट हो गया और क्या हो गया, 1 आ गया, तो tan inverse 1 आपका 45 डिग्रीज हो गया. नहीं, ये होगा आपका 180 प्लस 45, मतलब कि क्या? 225 डिग्रीज होगा. तो ये आपका कितना हो गया? 225 डिग्रीज, ठीक है, 225, राइट. तो देखो ये आपका 180 और यहां से आपका 45, राइट, ऐसे, तो ठीक है. तो यहां पे हमको क्या मिला? एक और 2Vm का मैग्नीट्यूड दिखा, और बाकी सब पॉइंट पे तो जीरो है वैल्यू, है ना, बाकी सब पॉइंट पे तो हमको दिख गया कि जीरो हो गया. देखो यहां पे बस आपका एल वैल्यू आया, और यहां पे फिर से क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा. तो आप देखिए कि कैसे अगर मैं साइनोसॉइडल सिग्नल लगाया दोनों वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में, तो दोनों के वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट को आपका सीआरओ आउटपुट में दिखाएगा. और कैसे दिखाएगा? ये देखो, उनका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और उनका tan इनवर्स करके हम उसका एंगल दिखा रहे हैं कि कैसे एंगल बना रहा है. तो मैंने ये देखा कि अगर मैं साइनोसॉइडल सिग्नल लगा रहा हूं और उनके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि यह हो गया Vx, ये Vy और ये Vx, ठीक है. तो अगर मैं ये बोल रहा हूं साइनोसॉइडल सिग्नल लगा रहा हूं और फेज डिफरेंस को 0 डिग्री रख रहा हूं, तो मेरे को जो स्क्रीन में, सीआरओ स्क्रीन में लिसा जस्ट पैटर्न दिख रहा है, लिसा जस्ट पैटर्न दिख रहा है, वो क्या है एक्चुअल में? वो है एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो एक है स्ट्रेट लाइन है जो कि कितनी एंगल बना रहा है आपका एक्सिस से? 45 डिग्रीज, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन है. तो वैसे ही करके अब अलग अलग फेज डिफरेंस में अलग अलग हम लोग के लिसाजेंस पैटर्न बनेंगे, राइट. तो यहां पे आपको पिक्चर क्लियर हो गया लिसाजेंस पैटर्न के बारे में, कि लिसाजेंस पैटर्न कब आपको मिलता है? जब वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में आप साइनोसॉइडल सिग्नल लगाते हो, और अगर मैं उन सिग्नल्स का फेज डिफरेंस को चेंज करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? अलग अलग लिसाजेंस पैटर्न मिलेगा, राइट. तो यहां पे फेज डिफरेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और यहां पे हमको क्या देखने को मिला कि यहां पे आपका वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट आपको मिलेगा एज अ आउटपुट, और उसको कैसे निकालना है? तो मैं आपको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कैसे मैंने आउटपुट एक लिसाजेंस पैटर्न आपको बना के दिखाया वो आपको दिखा चुका हूं, राइट. तो अब देखो, अब आपको हर लिसाजेंस पैटर्न को ऐसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में तो आप हर एक वेवफॉर्म को ऐसे बना नहीं सकते ना,
तो आपको मैं क्या करूंगा, एक टेबल बना के दूंगा जिसको आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री में भी स्ट्रेट लाइन, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में भी स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे करके मैं आपको पूरा टेबल बना दूंगा तो आपको एक देखते ही समझ में आ जाएगा कि जितना एंगल होगा उसके हिसाब से कौन सा लीसजस पैटर्न आपका स्क्रीन पे दिखने वाला है। राइट राइट, तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, बोर्ड वाइप करता हूँ और आपको एक एक लीसजस पैटर्न आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक तो आपको मैं दिखा दिया, थीटा इज इक्वल टू 0 पे आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। राइट, तो पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो लीसजस पैटर्न का आपको समझ में आ गया कैसे बन रहा है लीसजस पैटर्न। अब इसका एप्लीकेशन कैसे यूज होता है वो भी हम आगे देखेंगे कि लीसजस पैटर्न से ना हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी, अननोन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। राइट, तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं बता रहा हूं लीसजस पैटर्न करके। तो फर्स्ट आपका पैटर्न हो गया व्हेन थीटा, थीटा क्या है, इक्वल टू 0 और आपका 360, 0 या 360 होगा तो आपको जो लीसजस पैटर्न आपको दिखने वाला है स्क्रीन पे वो क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है, स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है 45 डिग्री के साथ। ठीक है, ये अब सेकंड पॉइंट होगा आपका थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उसमें भी आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा पर इस बार आपका स्लैंटिंग स्लोप होगा। ठीक है, इस बार आपका स्लैंटिंग स्लोप होगा ये। ठीक है, तो ये भी क्या है, 45 डिग्री बना रहा है बट विद नेगेटिव एक्सेसेस। राइट, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे ही है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एग्जैक्टली, एक 90 डिग्री पे हमको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, एक सर्कल मिलेगा एग्जैक्टली एक 90 डिग्री पे। पर यहां पे आप देखो सर्कल और उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज होने वाला है, तो ये एरो ऐसे कुछ टाइप के रहेंगे। ठीक है, सर्कल क्लॉकवाइज। फोर्थ पॉइंट आप देखो थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्रीज पे, फिर से सर्कल मिलेगा पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। राइट, ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट आप देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या होने वाला है, अगर आपका थीटा जो है वो किसके बीच लाइक करे, 0 to 90 डिग्री के बीच लाइक करे, तब उस केस में आपको क्या दिखने वाला है, एक एलिप्स दिखने वाला है जो कि कहां पे होगा, आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे से क्लियर फॉर्म में दिखा देता हूं आपको एलिप्स कैसे दिख रहा है। ये फॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, 0 to 90 डिग्रीज पे आपको, अगर मैं क्या करूंगा, 0 to 90 डिग्रीज में है तो ये क्लॉकवाइज बनाएगा, तो यहां पे एरो किस डायरेक्शन में रहेगा, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब वैसे ही अगर सिक्स पॉइंट अगर लिखो आप, सिक्स पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, अगर आपका ये हो गया 0 या फिर 270 to 360 डिग्री लिखता हूं, 270 टू 360 डिग्री पे थीटा इज इक्वल टू, आपको फिर से एक एलिप्स मिलेगा पर ये आपका इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेवेंथ पॉइंट लिखते हैं हम, अगर आपका थीटा लाई कर रहा है 90 to 180 तो आपको क्या मिलेगा, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एलिप्स मिलेगा, क्लॉक पर वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, और एट पॉइंट में लिखता हूं लास्ट पॉइंट हमारा, अगर 180 टू 270 डिग्री दिख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा और इस बार ये किस एंगल में बनाएगा, कुछ इस प्रकार से। राइट, तो ये आपका हो गया पूरा लीसजस पैटर्न। राइट, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एक और चीज इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये जो 0 डिग्री से थीटा आपका इन दोनों के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, क्लियर रहेगा कि थीटा जो है 0 से 90 डिग्री लाई कर रहा है। 2 मतलब आपको समझ नहीं आया तो कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 270 से
के बीच से लेके यहाँ तक थीटा यहाँ पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री स्टे थीटा ऐसे बीच में है, और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री से थीटा दोनों के 270 डिग्री यहाँ पे, राइट right? तो थीटा बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हर, अब मेरे को समझ में आ गया कि हर फेज डिफरेंस के लिए अलग अलग आपका लिसजस पैटर्न बनेगा, और कैसा लिसजस पैटर्न होगा, कुछ इस प्रकार से लिसजस पैटर्न होगा। स्ट्रेट लाइन कब होगा, 0 से 360 डिग्री के में, और अगर आपका 180 डिग्रीज पे, एग्जैक्टली 180 डिग्रीज पे, तो आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा जो जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे सर्कल बनेगा क्लॉकवाइज, एग्जैक्टली 270 डिग्रीज पे सर्कल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली यहां पे एग्जैक्टली की बात नहीं हो रही है, यहां पे 0 से 90 कोई भी वैल्यू ले फेज डिफरेंस तो आपका एलिप्स बनेगा, ठीक है। 0 से 90 कोई भी वैल्यू ले तो आपका एलिप्स बनेगा, और एलिप्स बनेगा और उसका क्या होगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यहां पे अगर आपका थीटा 270 से 360 के बीच लाई करे तो आपका फिर से एंटी क्लॉकवाइज होगा एलिप्स, और 90 से 180 लाई करे तो क्लॉकवाइज होगा थीटा। अगर आप 180 to 270 होगा तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप देखो, आपको डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ना याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हो, जैसे कि मैं याद किया था कि आपका हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज और 270 डिग्रीज, है कि नहीं। तो अगर आपका ये एरिया पे, इस एरिया पे थीटा लाई कर रहा है, इतने एरिया पे, तो ये क्या है आपका, इतना पूरा एरिया के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। चेक कर लो, 0 से 90 के लिए भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 270 से 360 डिग्रीज आपका अगेन क्लॉकवाइज है ना। और अगर आपका थीटा इनके इधर लाई कर रहा है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप देख सकते हो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं। तो अब आपको देखो याद करने में दिक्कत नहीं होगा, 90 से 180 आपका फिर से एंटी क्लॉकवाइज, 182 to 270 अगेन एंटी क्लॉकवाइज, और ये तो चीज क्लियर है कि अगर बीच में किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमको क्या मिलने वाला है, एलिप्स मिलने वाला है, राइट। और ये 0 to 90 और 270 में आपको एलिप्स कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये ब्लैक वाले के लिए कहां पे लाई कर, यहां पे मैं लिख भी देता हूं आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, ताकि यहां पे एलिप्स कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। और यहां पे एलिप्स कहां पे लाई कर रहा है, यहां पे आपका लाई कर रहा है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे, है कि नहीं। ये क्लियर हो गया, तो ये ऐसे करके हमारा लिसजस पैटर्न ऑब्जर्व हो गया स्क्रीन पे। अब देखो, हमको जानना है कि एप्लीकेशंस ऑफ लिसजस पैटर्न, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ कि अगर आपको थीटा पता है, अगर आपको फेज डिफरेंस पता है, तो आपको यह पता चल गया कि हाँ इतना एंगल अगर है तो आपका कौन सा लिसजस पैटर्न दिखने वाला है सीआरओ पे, राइट। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गया। सारे के सारे केसेस में हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में साइनसोइडल सिग्नल ही अप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है उनका, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है। अब देखो ये इन सारे केसेस में ना, इन यहां पे लिखता हूं ये पैटर्न्स के में, Vx, मैग्नीट्यूड ऑफ Vx एंड Vy इज इक्वल टू Vm एंड ओमेगा x इज इक्वल टू ओमेगा y, ये सेम है आपका, राइट। इस केस, इन सारे केसेस में अब देखो, ये वाला केस जो है हम लोग का, यहां पे ये और ये चारों केसेस में हमको एग्जैक्ट एंगल नहीं पता है, है ना। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि 0 से 90 में कोई भी एंगल हो उसमें आपको एलिप्स मिलने वाला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पर अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है उस एंगल की, उस फेज डिफरेंस की, तो मैं कैसे निकालूंगा। यहां पे भी मैं क्या बोल रहा हूं, 90 से 180 डिग्री में अगर थीटा लाई कर रहा है तो एलिप्स बनने वाला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है अगर थीटा की, तो मैं कैसे निकालूंगा, है ना। तो चारों केसेस में हमको एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालना है, मतलब कि एग्जैक्ट फेज डिफरेंस कैसे निकालना है, अब वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पे लिसजस पैटर्न का पहला एप्लीकेशन क्या होगा, टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के सिग्नल्स के बीच, ठीक है। तो
लिसेजेस पैटर्न क्या होता है, आपका फेज डिफरेंस निकालने के लिए भी हेल्प किया जाता है, कैसे वो देखते हैं, राइट। तो यहां पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई थी, पर ये चारों केसेस में हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा है, हमको सिर्फ रेंज गिवन है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं निकालता हूं यहां पे कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस यूजिंग लिसेजेस पैटर्न। लिसेजेस पैटर्न को यूज करते हुए हम कैसे फेज डिफरेंस निकालेंगे दोनों डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बीच, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप देखने वाले हो अभी लिसेजेस पैटर्न का, फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन Vx एंड Vy, ठीक है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के में जो सिग्नल्स अप्लाई हो रहे हैं उनका फेज डिफरेंस, दोनों साइनोसॉइडल तो हैं ही पर कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस होगा ना, तो उसी को निकालना है। और कौन से केसेस के लिए निकालना है, जो लास्ट के चार केसेस हैं, जो एलिप्स वाले केसेस हैं उन लोग के लिए। तो आप देखो एलिप्स अगर हम लोग का फर्स्ट मैं यहां पर देखता हूं, फर्स्ट ए पार्ट, इफ एलिप्स लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको ये पहले नहीं बताना है कि एलिप्स आपके कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। यहां पे मैं सेकेंड ए बी पार्ट भी लिख देता हूं साइमल्टेनियसली, इफ एलिप्स लाई इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये केसेस हो गया, दो केसेस हम देखने वाले हैं, दोनों का डायग्राम बनाता हूं आपके लिए मैं। ये क्या हो गया, आपका पहला केस हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया और ये आपका सेकंड केस हो गया। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। अब आप देखो कि अगर आपको एंगल थीटा निकालना है तो थीटा कैसे होगा, यहां पे अगर मैं देख रहा हूं ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये आपका x1 है, ये क्या है x2 है, ये कौन सा पॉइंट है y1 है, और ये कौन सा पॉइंट है y2 है। वैसे यहां पर भी देख लो, ये आपका हो गया x1 और ये पॉइंट हो गया आपका x2, ठीक है, ये पॉइंट हो गया y1 और ये पॉइंट हो गया y2, राइट, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे आपको पहले दो दो पॉइंट्स निकालने की जरूरत है, या तो x1 x2 निकाल लो, y1 y2 निकाल लो, या तो फिर से अगेन x1 x2 निकाल लो, या तो y1 y2 निकाल लो। तो यहां पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले फाई निकालना होगा। तो फाई पहले मैं कंसीडर करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के, ठीक है। एरो भी आपको ध्यान देते रहना है, एरो अभी मैं बना ले रहा हूं क्योंकि मेरे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को कंसीडर करना है। तो क्लॉकवाइज के फॉर क्लॉकवाइज अगर आपका है तो फाई जो होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स टू, या तो फिर साइन इनवर्स वाई वन अपॉन वाई टू, ठीक है। और ठीक है, फाइ इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स टू और साइन इनवर्स वाई वन अपॉन वाई टू, ठीक है। तो ये आपका ऐसे करके फाइ निकलेगा। यहां पे भी आप देख लो फाइ कैसे निकलने वाला है, यहां पे भी आपका साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन एक्स टू और साइन इनवर्स वाई वन अपॉन वाई टू, दोनों केसेस में साइन इनवर्स ऐसे करके हम निकाल लेंगे फाइ की वैल्यू। अब थीटा निकालना था हम लोग को, तो थीटा हमको निकालना है फेज डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है कि मैं थीटा से डिनोट किया था आपका फेज डिफरेंस को। तो थीटा इन केस ऑफ क्लॉकवाइज देखेंगे, क्लॉकवाइज के केस में
थीटा क्या होने वाला है, थीटा इज इक्वल टू फाइव होने वाला है। यहां पे भी फिर क्लॉकवाइज के केस में, फॉर क्लॉकवाइज थीटा इज इक्वल टू फाइव होने वाला है, सॉरी ये आपका 180 माइनस फाइव हुआ, ठीक है, ये आपका फाइव इज इक्वल टू 180 माइनस ऐसे, ठीक है, ये चीज। तो ये क्या हो गया, फॉर क्लॉकवाइज थीटा इज इक्वल टू फाइव, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज दोनों के केसेस में हम देखते हैं, फॉर एंटी क्लॉकवाइज क्या होने वाला है, तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया हमारा, ये होगा थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस फाइव, ठीक है, और ये भी क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस फाइव, राइट। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास लिसाजस पैटर्न है तो अगर वो एलिप्स है, एलिप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, चार प्रकार के, पहले तो दो ऐसे होंगे, कैसे कैसे, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पहला, दूसरा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दो प्रकार के एलिप्स होंगे। अब उनमें भी वो क्लॉकवाइज के हो सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज के हो सकते हैं, तो उस केस में अगर मुझे अपने वर्टिकल डिफ्रेक्टिंग प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्रेक्टिंग प्लेट के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले चेक करूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है एलिप्स, अगर ये इस केस में लाई कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज बना रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। जब मैं ये पता लगा लूंगा तो ये फॉर्मूला यूज करके, ये चारों फॉर्मूला यूज करके मैं बता दूंगा कि उनका एग्जैक्टली फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, उनका एग्जैक्टली फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, ये हमको इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। तो ये क्या था, आपका एप्लीकेशन था लिसाजस पैटर्न का, क्या करने का, फेज डिफरेंस निकालने का बिटवीन द टू सिग्नल्स, राइट। तो लिसाजस पैटर्न अगर आपको, एक तो एक ये है कि अगर आप फेज डिफरेंस आपको पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा लिसाजस पैटर्न बनने वाला है, और अगर आपके पास एलिप्स गिवन है तो आप उससे ये भी निकाल सकते हो कि उसका एग्जैक्ट फेज डिफरेंस कितना होगा। तो ये दो चीज अभी तक सीख लिए लिसाजस पैटर्न में। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारा लिसाजस पैटर्न में, अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो यहां पे हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं लिसाजस पैटर्न का, जो कि क्या होगा, हाउ टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ नोन फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आप देखिए, सेकंड एप्लीकेशन की तरफ जा रहा हूं मैं लिसाजस पैटर्न के। तो यहां पे आप लिखेंगे सेकंड एप्लीकेशन में, टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ नोन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इस केस में देखो लिसाजस पैटर्न मतलब कि क्या, आपका हमेशा हमेशा साइनोसॉइडल ही लगेगा दोनों सिग्नल्स, दोनों प्लेट्स पर, ठीक है, टू कैलकुलेट अननोन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम नोन फ्रीक्वेंसी, ये आपका सेकेंड एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखेंगे, पहला कि आपका Vx अगर क्या गिवन है, Vm साइन ओमेगा xt, ठीक है, और Vy क्या है, Vm साइन ओमेगा yt, ठीक है, और यहां पे क्या पता है आपको कि ओमेगा x इज नॉट इक्वल टू ओमेगा y, है कि नहीं, तो मतलब कि दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है। अब हमको कैसे फ्रीक्वेंसी निकालना है वो पता करना है। तो यहां पे आप लिख सकते हो एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स अपॉन, सॉरी एफ वाई अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये रेशियो आपको याद रखना है, डायरेक्ट रेशियो है आपका, तो इससे आप डायरेक्टली कोई भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो इस गिवन रेशियो से, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, याद रहे एफ वाई के केस में हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखना है या तो फिर टेंजेंसीज देखना है, पर मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है, इंटरसेक्शन देखने का। तो कितनी हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन हो रहे हैं वो चेक करेंगे, दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज या फिर इंटरसेक्शन,
ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एक इंपॉर्टेंट सा, इसको आपको याद रखना है, बेसिक सा फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर हॉरिजॉन्टल है कि नीचे वर्टिकल है। रेशियो आपको याद रहना है कि एफ वाई के साथ हॉरिजॉन्टल होगा, एफ एक्स के साथ वर्टिकल होगा, है कि नहीं। तो ये आप एकदम अच्छे से फॉर्मूला को दो तीन बार लिख के देख लेंगे, याद रहेगा, उसके बाद तो इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो कि अगर आपका लीसा जैस पैटर्न कुछ इस प्रकार है, राइट, इस प्रकार आपका लीसा जैस पैटर्न ऑप्टेन किया गया है स्क्रीन पर। कैसे ऑप्टेन करेंगे, दोनों प्लेट्स पर साइनोसॉइडल सिग्नल लगाया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। पहले जो हम डिस्कशन किए हैं उसमें फ्रीक्वेंसी सेम थी, पर अभी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। अब अगर आपको निकालना है FY और FX का रेशियो, दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन लो और ऐसे करके कट करो, ठीक है। तो देखो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा, चौथा, ठीक है। आप इधर से लाइन मत लाइएगा, देखो अगर आप इधर से लाइन ले आओगे, इधर से लाइन ले आओगे, तो ये यहां पे पॉइंट पे आप गिन नहीं पाओगे कि एक पॉइंट है कि दो पॉइंट है, इसलिए ना आप ऐसे जगह से पॉइंट कीजिएगा। इसलिए मैं यहां पे लिखा है कि क्या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको एक पोजीशन ढूंढना पड़ेगा कि कहां से आपको मैक्सिमम इंटरसेक्शन आपको पता कर पाए, राइट। तो यहां पे मैक्सिमम इंटरसेक्शन कहां से हो रहा है, इसी केस से हो रहा है, तो आप बाहर से थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे राइट लाइंस को, क्योंकि आपको मैक्सिमम का भी ध्यान रखना है, तो आप लाइन तो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जिससे आपके मैक्सिमम इंटरसेक्शंस हो। तो यहां पे मैक्सिमम इंटरसेक्शंस कितने हो रहे हैं भाई, 4 हो रहे हैं, राइट। और वैसे ही अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो कितना होगा, 2। और कहीं से भी ड्रॉ करूं, देख लो कहीं भी ड्रॉ करो, यहां पे भी ड्रॉ करोगे तो 2 आएगा, यहां पे भी कहीं भी ड्रॉ करो 2 ही आएगा। तो यहां पे इंटरसेक्शन 2 हो रहे हैं, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि FY अपॉन FX ये जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज या इंटरसेक्शन। तो मैं इंटरसेक्शंस की बात कर रहा हूं क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना ज्यादा इसलिए समझ में आता है। टेंजेंसीज मतलब ये क्या, आपको टेंजेंट बनाना है, तो कितने पॉइंट पे आपका टेंजेंट टच कर रहा है वो आप कैलकुलेट करोगे, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं इंटरसेक्शंस के ऊपर डिस्कस करता हूं। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस की बात करें, कितने इंटरसेक्शन हो रहा है भाई हॉरिजॉन्टल लाइन से, 1, 2, 3, 4। तो यहां पे क्या आ गया, रेशियो 4। और वर्टिकल इंटरसेक्शन कितना हो रहा है भाई, 1, 2। तो ये कितना हो गया, तो मुझे ये दिख रहा है कि FY इज इक्वल टू 2FX, ठीक है। तो यहां पे मेरे को इस लीसाजस पैटर्न से, ये जो लीसाजस पैटर्न मेरे को गिवन है, उससे मैं ये बता सकता हूं कि हमारा जो वर्टिकल डिफ्रेक्टिंग प्लेट का फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफ्रेक्टिंग प्लेट के फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफ्रेक्टिंग प्लेट के फ्रीक्वेंसी से, राइट। तो ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसीज के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ लीसाजस पैटर्न। तो ये आपका क्या होगा, सेकंड एप्लीकेशन हो गया लीसाजस पैटर्न का। पहला क्या था, फेज डिफरेंस निकालना, दूसरा है अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना विद द हेल्प ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी। अब सपोज करो कि अगर आपको FY पता है या FX पता है, एक क्वांटिटी पता है एक नहीं पता है, तो क्या आप इस रिलेशनशिप से फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो उसी तरीके से आपका लीसाजस पैटर्न हेल्प करता है। तो एक और एग्जाम्पल यहां पर मैं ले रहा हूं, सपोज करो ये आपका एक लीसाजस पैटर्न ऑप्टेन किया गया है स्क्रीन पे, ठीक है। साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई किया गया होगा दोनों में, फ्रीक्वेंसी दोनों की सिग्नल्स की अलग अलग है, तब आप देखो कि कितना यहां पे फ्रीक्वेंसीज का रिलेशनशिप आ रहा है। तो फिर से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, अब देखता हूं कि कितने बार इंटरसेक्शन हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहां पे हमको 9 इंटरसेक्शन देखने को मिले, तो FY अपॉन FX क्या होने वाला है वो पता चल जाएगा हमें। अब देखो वर्टिकल इंटरसेक्शन कितने होते हैं, अगर मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करूं, साइड से ड्रॉ करता हूं ताकि मेरे को एकदम क्लियरली दिखे, देखो तो यहां पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो गया 7। तो यहां पे हमारा रिलेशनशिप क्या आ रहा है, FY अपॉन FX इज इक्वल टू 9/7 राइट। तो ऐसे करके मैं फ्रीक्वेंसीज के बीच का रेशियो निकाल सकता हूं, मतलब कि क्या रिलेशनशिप निकाल सकता हूं। तो ऐसे में मैं अननोन फ्रीक्वेंसी से नॉन फ्रीक्वेंसी निकाल
नॉन फ्रीक्वेंसी से अननोन फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, राइट। तो ये केस हो गया आपका हाउ टू कैलकुलेट अननोन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ नॉन फ्रीक्वेंसी। अब देखो इनमें भी ना कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है, ये लिसेजस पैटर्न में भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। तो ये फॉर्मूला आपको मेन याद रखना है, एफ आई के केस में हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज को याद रखोगे, राइट। तो इसको आप कंफ्यूज मत होना, एफ आई के केस में हॉरिजॉन्टल है और एफ एक्स के केस में वर्टिकल है, राइट। देखो को पहले कैलकुलेट किया था और एफ एक्स के केस में मैं वर्टिकल को कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसी गलती करने से आपका रेशियो उल्टा आ सकता है, तो आपको फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा, है ना। तो अभी मैं देखता हूं कि स्पेशल केसेस में हमको कुछ चीज पता होना चाहिए। देखो अगर आपका कुछ पैटर्न जो है लिसाजस पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, तो यहां पे आपका इस प्रकार के लिसाजस पैटर्न में आपका जो एफ वाई अपॉन एफ एक्स आएगा वो कितना आएगा, इसको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1/5 के, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल केसेस है जब कुछ पैटर्न्स के लिए हमको पता होना चाहिए, क्या करना पड़ता है हमको कि हमको ना कुछ एबनॉर्मल या फिर कुछ अलग शेप्स को काउंट करना पड़ता है, जैसे कि यहां पे कुछ अलग शेप्ड क्या है, ये जो कर्व्स बन रहा है इसको काउंट करने से भी आपका ये रेशियो आ जाएगा, राइट। तो जब भी आपको कुछ अलग टाइप का कुछ पैटर्न दिखे तो उसमें आपके उसके एबनॉर्मल फीचर्स को कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, इसमें देखो स्टार, ठीक है, तो यहां पे आपको कितना करोगे आप कैलकुलेट, ये फिर से हो गया 1 2 3 4 5, तो यहां पे भी आपका एफ वाई बाय एफ एक्स क्या आ जाएगा, 1/5, राइट। और वैसे ही अगर आप इसके एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इस प्रकार का कुछ डायग्राम दिया हो तो इसमें आप क्या करोगे, इसके गैप्स को कैलकुलेट कर लोगे, तो 1 ये क्या आ जाएगा, एफ वाई अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/7, राइट। तो ऐसे, ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, स्पेशल केसेस हो गए, तो ये भी आप केसेस को लिख लो ताकि आपको कभी अगर आपको कुछ ऐसा अलग टाइप का फिगर दिखे तो उसमें आप क्या करो, उनके एबनॉर्मल फीचर्स को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कर्ल्स को कैलकुलेट किए, यहाँ पे एजेस को कैलकुलेट किए, यहाँ पे हम किसको कैलकुलेट किए, गैप्स को कैलकुलेट किए और हम रेशियो को लिख दिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ लिसाजस पैटर्न। अब हम बात करने वाले हैं बैंडविड्थ के ऊपर, ठीक है। तो बैंडविड्थ और राइज टाइम का एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीआरओ के केस में, तो बैंडविड्थ क्या है पहले वो फॉर्म डेफिनेशन लिखूंगा मैं और फिर राइज टाइम और बैंडविड्थ का रिलेशनशिप लिखूंगा। तो यहां पे देखो बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ आप लिख सकते हो मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड इन मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड इन सीआरओ इज नोन एज बैंडविड्थ, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या है, मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड इन सीआरओ इज नोन एज बैंडविड्थ। तो यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए जो आपको हमेशा देखने को मिलता है, बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम इज इक्वल टू 0.35, ठीक है, ये राइज टाइम है आपका। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको बैंडविड्थ पता है तो आप राइज टाइम निकाल सकते हो और अगर राइज टाइम पता है तो बैंडविड्थ निकाल सकते हो, क्योंकि बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम आपका इक्वल टू 0.35 के इक्वल होता है, राइट। तो ये बस इसमें इतना ही बात था। अब मैं लास्ट टॉपिक चलता हूं सीआरओ के, जो कि होगा मेजरमेंट यूजिंग सीआरओ, ठीक है। सीआरओ को यूज करके हम मेजरमेंट्स कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिसाजस पैटर्न भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि सीआरओ को यूज करके हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए
पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीआरओ को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो सीआरओ को कैलिब्रेट कैसे करेंगे हम, सीआरओ को कैलिब्रेट करने के लिए हमें उसमें पल्स सिग्नल या एक स्क्वायर सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, टू कैलिब्रेट कैलिब्रेट सीआरओ वी विल अप्लाई पल्स और स्क्वायर सिग्नल, ठीक है, पल्स और स्क्वायर सिग्नल, ठीक है। एक बार कैलिब्रेट हो गया सीआरओ, उसके बाद हमको हम क्या क्या चीज मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीआरओ, तो वो डिस्कस करते हैं। वी कैन मेजर सीआरओ से क्या क्या चीज मेजर कर सकते हैं, देखो अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी मेजर कर लिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको मैंने दिखाया मेजर करके लिसेजस पैटर्न की हेल्प से, और क्या मेजर कर लिया, फेज डिफरेंस भी मेजर कर लिए थे हम, ठीक है, लिसेजस पैटर्न की हेल्प से। और यहां पे हम अब मेजर करने वाले हैं वोल्टेज और करंट। अगर आपको वोल्टेज मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज जो सीआरओ को आप कैलकुलेट किए हो, सीआरओ को अगर आप पैरेलल में एक रेसिस्टेंस के कनेक्ट कर दो तो जो करंट फ्लो होगा रेसिस्टेंस में उससे आपको करंट पता चल जाएगा। तो करंट भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली आप करंट भी निकाल सकते हो बट नॉट पावर, ठीक है, पर पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सीआरओ, राइट। तो ये चारों चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, वोल्टेज, करंट बट नॉट पावर, ठीक है। तो अब देखो कैलकुलेशन होगा कैसे, यहां पे देखो अब हम बात करेंगे सिर्फ सीआरओ स्क्रीन के ऊपर। तो सीआरओ स्क्रीन आपको देखो, ये आपका सीआरओ स्क्रीन हो गया। अब सपोज करो ये कितना है आपका, इसका मैं लगता हूं लिख देता हूं उसको 10x8 सेंटीमीटर का, ठीक है, सीआरओ का 10x8 मतलब कि ये 10 डिवीजन होंगे यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये और यहां पे 8 आएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये आपका सीआरओ का स्क्रीन हो गया। अब आप देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि टोटल 10 डिवीजन है एक्स एक्सिस में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आपके कितने एक्सिस, कितने डिवीजन है, यहां पे मैं बना देता हूं आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दिया और ये बीच में आपका मैं वर्टिकल एक्सिस बना देता हूं, इसको बीच में थोड़ा सा ला देते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस में क्या बोला जा रहा है कि एक डिवीजन, देखो y एक्सिस में यहां पे ये एक डिवीजन हो गया और ये x एक्सिस में एक डिवीजन हो गया, है कि नहीं, ये बॉक्स जो बने हुए हैं ये यहां से यहां एक डिवीजन हो रहा है और यहां से यहां एक डिवीजन हो रहा है, तो ये आपका जो पूरा है ना x एक्सिस, ये पूरा x एक्सिस कितने डिवीजन का बोला जा रहा है, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और एक डिवीजन आपका, वन डिवीजन किसके इक्वल है, वन डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर या तो फिर और 1 मिलीसेकंड पर डिवीजन, ठीक है। तो x एक्सिस में हम टाइम मेजर करते हैं, x एक्सिस में टाइम हमारा रहेगा और y एक्सिस में हमारा एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो अगर x एक्सिस में टाइम है जो कि किसमें होगा, मिलीसेकंड में रहेगा, x एक्सिस में टाइम मिलीसेकंड में रहेगा और y एक्सिस में हमारा मिलीवोल्ट में रहेगा,
ठीक है, एक्स एक्सिस में टाइम मेजर कर रहा हूं, वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड मेजर कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड किस में है, मिली वोल्ट में है, टाइम किस में है, मिली सेकेंड में है, राइट। अब देखो यहां पे अगर एक्स एक्सिस में टोटल 10 सेंटीमीटर का है, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 10 डिविजन्स का है अगर, 10 डिविजन्स का है अगर, या तो फिर लिखता हूं 10 डिविजन्स का अगर है, अगर एक्स एक्सिस, तो एक एक डिविजन वो किसके इक्वल होगा, एक मिली सेकेंड के, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो एक डिवीजन हो ना, यहाँ पे एक डिवीजन, ये किसके इक्वल है, 1 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में बात कर रहे हो तो, अगर डिवीजन्स में बात कर रहे हो तो 1 मिली सेकेंड पर डिवीजन, ठीक है। तो अब मेरे को एक एक बॉक्स का वो पता चल गया कि उसका टाइम कितना डिनोट कर रहा है एक बॉक्स। अब वैसे ही अगर वाई एक्सिस आपका क्या डिनोट कर रहा है, एम्पलीट्यूड डिनोट कर रहा है, जो कि मिली वोल्ट में है, तो ये जो वाई का एक ये स्ट्रिप है वो कितना आपका दिखाएगा, 1 मिली वोल्ट पर डिवीजन, या तो फिर 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो आपको एक बॉक्स का आपको आइडिया हो गया, राइट। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, सिग्नल बना देता हूं यहां पे, ये एक सिग्नल बना देता हूं, ठीक है। तो अब देखो ऊपर कितना बॉक्स कवर कर रहा है, ये 1 2 3 थ्री बॉक्स कवर किया, यहां पे कितना कवर किया, 1 2 3 टोटल थ्री बॉक्स कवर किया। तो यहां से अगर आप देख रहे हो इतना डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये आपका क्या है, वीएम है, ये पॉइंट देखो आप ध्यान दो, यहां पे वीएम है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कितना दे रहा है, 1 डिवीजन, ये जो एक डिवीजन हो रहा है वो किसके इक्वल है भाई, 1 मिली वोल्ट के है, तो ये कितना हो गया, 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, तो ये हो गया 3 मिली वोल्ट इधर, और इधर कितना हो गया, 3 मिली वोल्ट, तो टोटल कितना हो गया, अगर मैं लिख रहा हूं 6 मिली वोल्ट, राइट, ये टोटल हो गया 6 मिली वोल्ट का, और ये क्या है, वी पीक टू पीक, तो वी पीक टू पीक आपका कितना हो रहा है, 6 मिली वोल्ट का, राइट। और अगर आपको टाइम पीरियड दिखाना है इस सिग्नल का, तो आप क्या कैलकुलेट हो गया, कितना डिब्बा यहां पे कवर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, तो पूरा का पूरा स्पेस कवर कर रहा है। तो यहां पर आपका टाइम पीरियड कितना आ रहा है, यहां पर मैं अगर लिखूं, टाइम पीरियड आ रहा है टी इज इक्वल टू 10, मतलब कि क्या 10 बॉक्सेस हैं, और एक बॉक्स आपका 1 मिलीसेकंड को कर रहा है, टोटल 10 मिलीसेकंड आपका टाइम पीरियड हो रहा है कि नहीं, राइट। अगर आप चाहो तो छोटा सिग्नल होता तो फिर तो भी आप कैसे कैलकुलेट करते, जितना मान लो अगर आपका सिग्नल यहां से स्टार्ट होता इस प्रकार से कुछ, तो यहां पर कितना टाइम पीरियड होता इसका, इसमें आपका टाइम पीरियड होता ब्लू वाले सिग्नल का टी इज इक्वल टू 8 मिलीसेकंड, कैसे 8 मिलीसेकंड भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मिलीसेकंड, ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स एक लाइन आपका एक्स एक्सिस में 1 मिलीसेकंड के इक्वल है, ठीक है, तो एक डिवीजन आपका 1 मिलीसेकंड के इक्वल है। और अगर मेरे को इसका एम्पलीट्यूड बात करना होता तो ये कितना होता, देखो दो बॉक्स कवर कर रहा है, और यहां पे भी इसको दो बॉक्स कवर करवा दो सिमेट्रिक होने के कारण, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये आपका अगेन हो गया 1 2 1 2, दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, अगर आप देख रहे हो यहां पे इसका वी पीक टू पीक, तो इसका वी पीक टू पीक आपका आ रहा है हाउ मच, 4 मिली वोल्ट, है ना, 4 मिली वोल्ट। तो ऐसे करके आप सिग्नल का टाइम पीरियड, ठीक है, तो यहां पे मैं टाइम पीरियड भी लिख देता हूं, टाइम पीरियड और वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पीक टू पीक वैल्यू ही कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, वोल्टेज के केस में, इन सीआरओ, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं जो आपको एग्जाम में आ चुका है, इन सीआरओ वी कैन कैलकुलेट ओनली पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट गलत बोल दिया मैं, ऑब्जर्व होगा, वी कैन ऑब्जर्व Only peak to peak value directly, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, जो कि पूछा गया है एग्जाम में, कि सीआरओ को देखकर आप क्या चीज डायरेक्टली बता सकते हो, तो आप क्या बोलोगे कि हम डायरेक्टली पीक टू पीक वैल्यू बता सकते हैं किसी भी सिग्नल का, है ना, या तो फिर उसका टाइम पीरियड बता सकते हैं डायरेक्ट किसी भी सिग्नल का, ठीक है। और उस पीक टू पीक सिग्नल से भले ही आप बाद में RMS वैल्यू निकालो, चाहे एवरेज वैल्यू निकालो, पर डायरेक्टली सिग्नल को ऑब्जर्व करके आप सिर्फ और सिर्फ
पीक टू पीक वैल्यू निकाल सकते हो। देखो मैंने पीक टू पीक ही बात किया है दोनों जगह, दोनों सिग्नल के केस में, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होने वाला है, ठीक है, इस पॉइंट को आप नहीं भूलेंगे। इसका एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं जो एसएससी जेई में आ चुका है, राइट। तो किसी भी सिग्नल को देख के मैं पीक टू पीक वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? अगर मेरे को पता है कि पूरा सीआरओ कितने डिविजन्स का बना है, 10x8 सेंटीमीटर के डिविजन का है, 10x8 सेंटीमीटर, ये डिविजन लिख देता हूं यहां पे मैं, सेंटीमीटर में भी बात कर सकते हैं हम, डिविजन में भी बात कर सकते हैं, है ना। तो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा कि पूरा सीआरओ कितने सेंटीमीटर या डिविजन के बने हुए हैं, राइट। ये क्या दिखा रहा है? एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, ये वाई एक्सिस को दिखा रहा है, एक्स इज टू वाई, ठीक है। ये आपका एक्स क्रॉस वाई है, ठीक है, राइट। अब देखो यहां पे हमको क्या दिखा, पीक टू पीक वैल्यू निकाले, यहां से हम टाइम पीरियड निकाले, हमको पता लगाना है कि एक डिविजन किसके इक्वल है। तो यहां पे एक डिविजन एक मिली सेकंड के इक्वल है, यहां पे एक डिविजन किसके इक्वल है, वन मिली वोल्ट के, है ना, क्योंकि वाई एक्सिस में मिली हम लोग एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में हम टाइम मेजर कर रहे हैं। टाइम आपका मिली सेकंड में होगा, वाई एक्सिस आपका मिली वोल्ट में होगा। अगर क्वेश्चन में वोल्ट गिवन है तो आप वोल्ट के हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब देखो अगर मेरे को इसका, अभी तो मैं लॉजिकली कैलकुलेट किया, अगर आपको कैलकुलेशन ही करना होगा तो कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, इसका इस टाइप से लिख सकते हो, टोटल टाइम इन एक्स एक्सिस, ठीक है। टोटल टाइम इन एक्स एक्सिस क्या होगा, नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल टाइम अगर मेरे को निकालना है, ये पूरा डिस्टेंस अगर निकालना है मेरे को, नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू टाइम बेस सेटिंग ऑफ वन डिविजन, ठीक है। टाइम बेस सेटिंग मतलब कि एक डिवीजन का कितना टाइम सेट किया हूं मैं, जैसे यहां पे मैं एक डिवीजन का 1 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर कैलकुलेट किया हूं। तो यहां पे आप देखो इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है, 8 मिलीसेकंड है, इस सिग्नल का टाइम पीरियड क्या है, 10 मिलीसेकंड है। अब आप देख रहे होंगे कि इस 10 मिलीसेकंड के केस में यहां पे होगी 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ डिविजन कितने थे, 10 थे, तो ये आपका हो गया 10, है ना। और टाइम बेस सेटिंग कितना है, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीसेकंड पर डिविजन, 1 मिलीसेकंड पर डिवीजन या पर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैलकुलेट कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल आपका कितना टाइम दिखा रहा है, 10 मिलीसेकंड का, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर इनटू दिस, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया टोटल टाइम आपका सीआरओ में कितना दिखा सकते हैं, 10 मिलीसेकंड के टाइम पीरियड को दिखा सकते हैं। अगर आपका सिग्नल छोटा रहा तो अच्छी बात है, आपका एक और यहां पे एक और आपका सिग्नल आ जाएगा, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके दिखते रहेगा इसका आगे का पार्ट, है ना, इस टाइप का। पर अगर आपका सिग्नल बड़ा रहा तो ये आपका मैक्सिमम 10 मिलीसेकंड तक दिखा सकता है, तो ये मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। ये टी मैक्स हो गया आपका, ये टी मैक्स हो गया, मैक्सिमम टाइम आपका कितना दिखा सकता है, 10 मिलीसेकंड का टाइम पीरियड का। अब वैसे ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी पता लगा लेते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, टोटल एम्पलीट्यूड इन वाई एक्सिस, आपको यहां पर मैं लिखूं टोटल एम्पलीट्यूड इन वाई एक्सिस किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एक्स वाई डिविजन्स, एक्स डिविजन्स इनटू एम्पलीट्यूड पर डिविजन, एक डिविजन का कितना एम्पलीट्यूड है। तो यहां पे एक डिविजन का 1 मिली वोल्ट है, तो यहां पे कितने डिविजन थे, 8 डिविजन थे, तो 8 इंटू 1 कितना हो गया, टोटल 8 मिली वोल्ट आपका सिग्नल शो कर सकता है। तो यहां पे हम देखें 6 मिली वोल्ट का दिखा दिया, ठीक है, 4 मिली वोल्ट का दिखा दिया, ठीक है। मैक्सिमम सिग्नल, सबसे बड़ा सिग्नल कौन सा आ सकता है, यहां पे इस प्रकार का आ सकता है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 8 मिली वोल्ट का होगा। पर अगर मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, 8 मिली वोल्ट, इसका क्या हो गया, 8 मिली वोल्ट आपका हो गया वीपी पीक टू पीक मैक्स, ठीक है, ये आपका वी पीक टू पीक मैक्स हो गया। अगर आपका एम्पलीट्यूड वी पीक टू पीक मैक्स के ऊपर हो गया, मतलब कि अगर मैं कोई ऐसा सिग्नल अप्लाई किया जिसका पीक टू पीक वैल्यू 10 मिली वोल्ट है, तो आपका सिग्नल कैसे दिखेगा, क्लिप्ड हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो, इफ वी पीक
टू पीक इज ग्रेटर देन वी पीक टू पीक मैक्स, तब सिग्नल क्या होगा, सिग्नल विल बी देन सिग्नल विल बी क्लिप्ड। ठीक है, सिग्नल क्या हो गया, क्लिप्ड हो जाएगा उस केस में। क्लिप्ड मतलब क्या, आधा ऊपर का नहीं दिखेगा, कुछ इस प्रकार से समझ लो, ये ऐसे ऊपर का हिस्सा कट गया, ये देखो इसका मैं एम्पलीट्यूड 10 वी पीक टू पीक मैक्स से बड़ा बना दिया, 10 मिली वोल्ट समझ लो, तो उस केस में आपका ऊपर का हिस्सा सिग्नल का कट जाएगा, है ना। ये अगर ऐसा सिग्नल है तो ये आपका इतना हिस्सा आपका कट जाएगा ऊपर का, ये इसको बोलते हैं क्लिप्ड होना, राइट। तो आपका सिग्नल कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्लिप्ड हो गया, ठीक है, इतना पोर्शन आपका हट गया जो आपका आने वाला था, राइट। तो ये आपका स्टोरी हो गया। अब देखो, अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस किया, मेजरमेंट यूजिंग सीआरओ, सीआरओ के मेजरमेंट के पल्स या स्क्वायर सिग्नल से हम कैलिब्रेट करेंगे, कैलिब्रेट करने के बाद हम क्या क्या चीज पता लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पता लगा सकते हैं, फेज डिफरेंस पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीसा जस पैटर्न, ठीक है, टाइम पीरियड और वोल्टेज और करंट भी पता लगा सकते हैं, बट पावर नहीं पता लगा सकते, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए कि सीआरओ को देखकर डायरेक्टली आप क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, पीक टू पीक वैल्यू ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी सिग्नल का, है ना। देखो पीक टू पीक वैल्यू डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं, राइट, और उसका टाइम पीरियड भी डायरेक्टली देख सकते हैं, राइट। अब अगर पीक टू पीक वैल्यू देख सकते हो तो क्या आप उसका आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो, जी हाँ बिल्कुल। कैसे, देखो अगर आपको अच्छे से पता है, यहां पे ये बैंडविड्थ का काम हो गया, ये बैंडविड्थ का काम हो गया, ठीक है, तो यहां पे बैंडविड्थ का काम हो गया, तो हम यहां पे देख रहे हैं, आपको पता है वी आर एम एस किसके इक्वल होता है, वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी एम बाय रूट टू, ठीक है, वी एम बाय रूट टू। अब आप देखो ये पीक टू पीक वैल्यू क्या है भाई, वी पीक टू पीक तो हमारा क्लियरली किसके इक्वल है, 2Vm के इक्वल है, कैसे, ये देखो यहां पे एक Vm और दूसरा Vm, तो ये पूरा मिला के वी पीक टू पीक होता है ना, तो 2Vm के इक्वल है। इसका मतलब कि क्या, अगर मेरे को VRMS वी पीक टू पीक पता चल जा रहा है डायरेक्टली सिग्नल को देखते देखकर ही वी पीक टू पीक पता चल जा रहा है, तो VRMS किसके इक्वल होगा, यहां से हमको क्या दिख रहा है, Vm इज इक्वल टू वी पीक टू पीक बाय 2, है ना, तो VRMS किसके इक्वल हो गया, वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाय 2√2, ये तो ये फॉर्मूला आपका हो गया VRMS का, राइट। तो आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको क्या गिवन रहेगा, वी पीक टू पीक दिया रहेगा, आपको RMS वैल्यू निकालना होगा, तो आप उसको डायरेक्टली रूट टू मत कीजिएगा, आप पहले पीक टू पीक को VM बनाइएगा, मतलब कि पीक वैल्यू बनाइएगा, उसके बाद डिवाइड बाय रूट टू होगा, राइट। तो वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाय 2√2, है ना, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप RMS वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैंने फिर क्या डिस्कस किया कि अगर आपको टोटल, आपको ये डिविजन आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में कि एक डिविजन कितने मिली सेकेंड का है, एक्स एक्सिस में आप टाइम मेजर करोगे, वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड, तो एक्स एक्सिस में टाइम किस में होगा, मिली सेकेंड या सेकेंड में होगा, और वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड किस में होगा, मिली वोल्ट या वोल्ट में होगा, और उसके बाद आपका हर एक डिविजन का आपका कैलिब्रेशन किया गया रहेगा एग्जाम में ही, और आपको बता दिया जाएगा कि एक मिली सेकेंड आपका, तो एक सेंटीमीटर या एक डिवीजन आपके एक मिली सेकेंड के इक्वल है, और एक डिवीजन या फिर एक डिवीजन या एक सेंटीमीटर आपके वाई एक्सिस में किसके इक्वल है, 1 मिली वोल्ट के इक्वल है, राइट। तो एक्स एक्सिस में एक डिवीजन कितने के किसके इक्वल है, और वाई एक्सिस में एक डिवीजन किसके इक्वल है, यह आपको क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा, और उसके बाद क्या स्पेसिफाई किया जाएगा कि टोटल आपके कितने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डायमेंशन है, तो यहां पे मैं डायमेंशन भी बता दिया था आपको डायरेक्टली, और उससे आप क्या पता लगा सकते हो कि आपका वीपी पीक टू पीक मैक्स कितना होगा और टी मैक्स कितना होगा, मतलब कि उस सीआरओ स्क्रीन पे आप कितना ज्यादा बड़ा सिग्नल का टाइम पीरियड देख सकते हो मैक्सिमम, और कितना पीक टू पीक वैल्यू मैक्सिमम देख सकते हो, वो चीज आप पता लगा सकते हो। कैसे पता लगा सकते हो, नंबर ऑफ डिविजन इनटू एक डिविजन का कितना मिलीवोल्ट है, या फिर नंबर ऑफ डिविजन इन एक्स एक्सिस और एक डिविजन कितना मिलीसेकंड को बता रहा है। तो यहां पे हमको क्या हुआ कि एक डिविजन आपका एक मिलीसेकंड के इक्वल था, टोटल कितने डिविजन थे, 10 डिविजन थे, तो 10 डिविजन किसके इक्वल हो गया, 10 मिलीसेकंड के हो गए। तो इसका मतलब ऐसा सिग्नल जिसका मैक्सिमम वैल्यू 10 मिलीसेकंड होगा वो हमको शो किया जा सकता है,
और बाकी जो छोटे छोटे वैल्यूज है उनके क्या होंगे, उनके डबल डबल वेव्स आने लग जाएंगे, मतलब कि कुछ एक से बड़े साइकिल्स आने लग जाएंगे। और अगर मान लीजिए अब हमको ये समझ में आ गया कि इस सिनेरियो में मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड आप शो कर सकते हो किसी भी सिग्नल का, 10 मिलीसेकंड। अब अगर मैं 5 मिलीसेकंड का टाइम पीरियड रखूं किसी सिग्नल का, तो आप बताइए कितने साइकिल शो होंगे उसमें। देखो यहां पे मैं फिर से क्वेश्चन को पूछता हूं, बता रहा हूं आपको मैं, आप विजुअलाइज कीजिए इस चीज को, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका ये सीआरओ है, ये सीआरओ है, और इस सीआरओ में आप मैक्सिमम टाइम पीरियड आप 10 मिलीसेकंड का दिखा सकते हो, ठीक है, और ये आपका 10 मिलीसेकंड का साइकिल हो गया, ठीक है। ये अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप ऐसा सिग्नल अप्लाई किए जिसका टाइम पीरियड 5 मिलीसेकंड है, ठीक है, तो यहां पे 10 मिलीसेकंड वाले साइकिल में कितना 10 मिलीसेकंड वाले सिग्नल में कितना साइकिल आया, 1 साइकिल आया, है ना, क्योंकि पूरा 10 मिलीसेकंड को यूज कर लिया। पर अगर 5 मिलीसेकंड का टाइम पीरियड होगा तो उसमें कितने साइकिल्स आएंगे, ऑब्वियसली 2 साइकिल आएंगे, तो एक साइकिल ये हो गया, फिर दूसरे साइकिल ये हो गए, ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिला, 2 साइकिल्स, और यहां पे क्या आ रहा है, 1 साइकिल। तो ऐसे ही करते करते हर साइकिल चेंज होते जाएगा, तो यही पता लगाना है कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड मुझे पता है, कैसे पता करोगे आप, ऐसे कैलकुलेट करके, ठीक है, उसके डिविजन्स को कैलकुलेट करके, तो कितने साइकल्स शो होंगे सीआरओ में वो अगर आपको पता लगाना है, तो कैसे पता लगाओगे आप, कैसे पता लगाओगे, यहां पर इस फॉर्मूला को यूज करके, कैसे, कि पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि टोटल टाइम कितना शो कर सकते हो आप एक्स एक्सिस में। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट टोटल टाइम पीरियड दैट कैन बी शोन इन एक्स एक्सिस, कितना टाइम पीरियड शो कर सकते हो इस सिनेरियो में, आपका हो गया वो 10 मिलीसेकंड के इक्वल। तो यहां पे देखो कैसे कैलकुलेट किया था मैं, ऐसे टी मैक्स ऐसे निकालो, ये आपका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन कितने हैं, 10 हैं, और टाइम बेस सेटिंग ऑफ 1 डिविजन, एक डिविजन का कितना टाइम बेस सेटिंग है, 1 मिलीसेकंड है, तो टोटल कितने टाइम पीरियड दिखा सकते हो, मैक्सिमम 10 मिलीसेकंड का टाइम पीरियड आप मैक्सिमम दिखा सकते हो, तो ये आपका क्या हो गया, टी मैक्स हो गया, टी मैक्स। तो टी मैक्स नंबर ऑफ साइकल्स किसी भी सिग्नल के कितने साइकल्स आएंगे वो एन किसके इक्वल होगा, टी मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। अब उस सिग्नल का कितना टाइम पीरियड है ये आपको पता लगाना है, जैसे कि इस केस में मैंने पता लगा लिया था कि टी मैक्स किसके इक्वल है, 10 मिलीसेकंड के इक्वल है, और अगर टी मैक्स 10 मिलीसेकंड के इक्वल है और मैं ऐसा सिग्नल अप्लाई कर रहा हूं जिसके टाइम पीरियड 5 मिलीसेकंड है, तो उसमें कितने साइकिल आएंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 2। तो नंबर ऑफ साइकिल कितने है, देखो 1 साइकिल 2 साइकिल, है ना, तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हो कितने साइकिल शो हो रहे हैं। चिंता करने वाली बात कोई नहीं है, हम क्या करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल कंसीडर करेंगे जो आपका एसएससी जेई में आ चुका है, राइट, तो उसके जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हाँ ऐसे हम नंबर ऑफ साइकिल्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिग्नल का जो डिस्प्ले होने वाला है सीआरओ स्क्रीन पे, राइट, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस का कहानी हो गया, आरएमएस वैल्यू का ये स्टोरी हो गया, और दूसरा चीज मैंने ये बोला कि अगर आपको वाई एक्सिस का एक डिवीजन का कैलिब्रेशन पता है और आपको टोटल डिविजन्स भी पता है, तो वैसे ही जैसे आप एक्स एक्सिस का टोटल टाइम निकाले वैसे ही आप ये भी पता लगा सकते हो कि टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा सिग्नल का वाई एक्सिस पे, ठीक है, वैसे सेम टोटल डिविजन उस इनटू एम्पलीट्यूड पर डिविजन। तो मैं पता लगाया कि वी पीक टू पीक मैक्स कितना होगा, 8 मिलीवोल्ट होगा, तो यहां से आपको वी पीक टू पीक मैक्स मिल जाएगा। और अगर आप इस वी पीक टू पीक मैक्स इसमें कितना आया, 8 मिलीवोल्ट आया, अगर आप 8 मिलीवोल्ट से बड़ा पीक टू पीक मैक्स लगाए, मतलब कि जैसे ऐसा सिग्नल लगाए जिसका पीक टू पीक वैल्यू 10 मिलीवोल्ट है, तो उस सिग्नल का ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जैसे कि कुछ इस प्रकार से वो वेवफॉर्म हमको देखने को मिलेगा, ये आपका कट जाएगा, ये देखो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा डिस्टेंस कितना आने वाला था, 8 मिलीवोल्ट आने वाला था, तो यहां से आपको जो ये एरिया था वो 10 मिलीवोल्ट का, तो ऊपर से हम लोग का इतना पोर्शन क्लिप हो जाएगा, ये ऐसे करके कट जाएगा।
ठीक है, सीआरओ स्क्रीन में दिखेगा ही नहीं, तो राइट, तो हमको मैक्सिमम 8 मिली वोल्ट तक ही शो हो सकता है सीआरओ स्क्रीन पर, और ऊपर कहीं से कट जाएगा, कितना कितना मिली वोल्ट, यहां से आपका 1 मिली वोल्ट, यहां से 1 मिली वोल्ट, टोटल 2 मिली वोल्ट आपके दिखेंगे ही नहीं स्क्रीन में, राइट। तो ये आपको पता लगाना है, कभी भी क्वेश्चन आपको पूछे कि क्लिप होगा कि नहीं होगा क्लिप सिग्नल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी पीक टू पीक मैक्स निकाल लो, उस सिग्नल का पीक टू पीक निकाल लो, और अगर उस सिग्नल का पीक टू पीक वैल्यू, उस सिग्नल का पीक टू पीक वैल्यू अगर बड़ा है वी पीक टू पीक मैक्स से, तो आप सिंपल सा बता सकते हो कि क्लिप होगा कि नहीं। तो ये पूरा स्टोरी था सीआरओ का। यहाँ पे हमारा सीआरओ पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक भी चीज हमने नहीं छोड़ा है, सब चीज कवर हो चुका है। चाहे आप थ्योरी की बात कीजिए, कैसे वर्किंग करता है एक एक पार्ट, वो डिस्कस कर लिया बहुत डिटेल में। स्पेशल सीआरओ के बारे में बात किया हमने, लिसेजस पैटर्न के बारे में बात किया, लिसेजस पैटर्न के एप्लीकेशन के बारे में बात किया, और यहाँ पे मेजरमेंट का भी बात कर लिया, बैंडविड्थ भी बात कर लिया। तो यहाँ पे सीआरओ आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं सीआरओ के, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनको हम पिकअप करेंगे एसएससी जेई के क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।